जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये पूरा चैप्टर हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। यार इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में करवाई हैं। ये एक वन शॉट वीडियो है, लेकिन वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई सा पार्ट इसमें छुड़वा दिया हो, हर एक पार्ट इसमें कवर किया है। तो अगर आप चाहते हो कि टर्म वन के लिए आप अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी कर पाओ, तो आप इस पूरे वीडियो को बेटा स्टार्टिंग से लेकर पूरे एंडिंग तक, बिगिनिंग से पूरे एंडिंग तक बेटा आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम बेटा वीडियो के दौरान आती है तो कमेंट करके बताइए भाई, आपकी उस समस्या का जो समाधान होगा वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर यार चलिए फिर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ऐसा ना बेटा, पहले तो ये समझिए लीनियर, लीनियर का मतलब याद आप लोगों को, भूल गए हो? लीनियर इक्वेशन का मीनिंग याद है? यस सर। क्या मतलब था बेटा इसका? सर जिसकी डिग्री 1 होती है। बिल्कुल बेटा, इक्वेशन विद डिग्री 1, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। भाई पहले के जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर चल रहा है इन टू वेरिएबल्स, कुछ बच्चों ने इस चैप्टर को पहले भी पढ़ा हुआ है, जो बच्चे हमारे पास स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि पढ़ा ना पढ़ा सब बराबर एक समान। कोई बात नहीं बेटा देव, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छे दिन जरूर आएंगे बेटा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद डिग्री 1, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैं लिखता हूं कि 2x-4 इज इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं x की पावर कितनी है भाई, x की पावर इसमें 1 है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, बट ये इन वन वेरिएबल है, ये इन वन वेरिएबल, इसमें वेरिएबल एक ही है बेटा, कौन सा वेरिएबल है, x। ऐसे बेटा हमारे पास क्या हो सकता है, 3x+2y+4=0, देख सकते हो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये भी क्या बेटा हमारे लिए, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट ये क्या हो गया बेटा, इन टू वेरिएबल। बच्चों डिफरेंस समझ में आ रहा दोनों में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भैया लीनियर बोलते तो समझ जाना पावर 1 होनी चाहिए, ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, तो क्वाड्रेटिक में जो पावर होती है वो 2 होती है बेटा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर डिग्री 2 हुआ करती है। पर यार लीनियर की बात कर रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस ही आप लोगों को दिखाई देंगी भाई। ठीक है, अब देखिए जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है ना, उसके सॉल्यूशंस देखो आप बड़े इजीली फाइंड कर सकते हो, उसमें एक्स की वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकते हो। बताओ इसको अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, बता सकते हो आप लोग? -2 बेटा मारोगे बहुत, 2 नहीं निकलेगी, 4 आ जाएगा, 2x=4, तो x=2, बिल्कुल बेटा 2 निकलेगी। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं ना इन टू वेरिएबल, मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूं x+y=1, मैंने क्या लिख दिया, x+y=1। तो बेटा अब ऐसा है ना, इसके एक नहीं अनेक सॉल्यूशंस होंगे। जब मैंने लिखा था 2x-4=0, तो भाई उसमें सिंपल है यार, x की एक ही वैल्यू निकला करेगी। बच्चों x की एक ही वैल्यू निकलनी है, वहां कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट जब हम बात करेंगे इस टाइप से कि x+y दे दिया और इक्वल टू में 1 दे दिया, तो यहां क्या होता है, तो यहां पर अब x और y की एक नहीं इनफाइनाइट वैल्यूज निकलेंगी बच्चों, इनफाइनाइट। बताओ अगर मैं x की जगह 0 रख दूं और y की जगह 1 रख दूं, क्या बात बन नहीं जाएगी? यस सर। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं और y की जगह 0 रख दूं, तो क्या बात बन जाएगी बच्चों? यस सर। x की जगह 2, y की जगह -1, मित्रों क्या बात बन जाएगी? x की जगह 2 रखो, y की जगह -1 रखो, 2-1 अगेन आंसर इज 1। मैं अगर आपसे बोल दूं x 3 है y-2, ऐसे आंसर तब भी क्या आएगा? तो बताओ इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं सर? इनफाइनाइट हो सकते हैं बेटा, बिल्कुल इनफाइनाइट। अब देखो बच्चों ये जो x+y=1 मैंने लिखा है ना, इसको आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये x है, ये y है, ओरिजिन 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1,
एक्स जीरो तो वाई वन, ये रहा जीरो वन, ये रहा बच्चों वन जीरो कहाँ होगा, ये रहा। ऐसे टू माइनस वन कहाँ होगा, एक्स टू तो वाई माइनस वन, ये यहां कहीं हो जाएगा। तो जब बेटा आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे एक लाइन जा रही है, मानते नहीं मानते बच्चों इस बात को? हाँ जी बालको, क्या भाई सौरभ सही है? सौरभ भाई आज परेशान है, सौरभ आज पिटाई भी है क्या घर पे? नहीं सर। तो आज आज कैसे उदास हो बेटा यार? नहीं सर सर्दी हो रखा है। आप उदास से अच्छे नहीं लगते हैं भाई, इतने प्यारे बच्चे हैं आप यार, इतनी प्यारी आवाज है आपकी, आप उदास मत रहा करो भाई, ठीक है ना? सर हम उदास नहीं, आज भाई की आवाज कम आ रही है ना, बाकी की आवाज बल्कि भाई से तेज आ रही है आज। वो जोश नहीं दिखाई दे रहा बेटा आपके अंदर यार, आपका जलवा हुआ करता था बेटा क्लास में। 1 0 0 1 ऐसे ये पॉइंट क्या हो गया, 2 माइनस 1 ऐसे यहाँ पे, और क्या होगा 3 माइनस 2। क्यों भाई सौरभ गलत बोल रहे हैं? नहीं सर। ये जैसे ये जो पॉइंट है, अरे अच्छा ये वाला जो पॉइंट है, ये माइनस वन कॉमा टू, देख लो भाई जोड़ के देख लो, वन ही आएगा। हाँ। बच्चों तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, क्या मैं कह सकता हूं ऑल दोज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? हाँ सर। यस सर। इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वह इस रैखिक समीकरण के हल होंगे। ओके सर। अब देखिए बच्चों, तो देव भाई ऐसा है ना, ये जो लीनियर इक्वेशन होती है, ध्यान रखो इस बात को, इससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बना करती है। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। अब समस्या क्या आ रही है, समस्या हमारे सामने ये उत्पन्न हो गई है बेटा कि हमें ना एक नहीं, हमें दो इक्वेशन देगा, हमें एक नहीं कितनी इक्वेशन देगा, दो। अब देख जब मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, उसको भी ड्रॉ करूंगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, बट उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो उसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब भाई सौरभ जोर से बोलो बेटा, जय माता की। हैं ये गधे बोल रहे हैं यहां पर नाला, सौरभ भाई तो नाराज भाई, पंडिका मेरी बहन पंडिका Yes, sir. आपसे बात करेंगे बेटा, सौरभ भाई आज नाराज है, ठीक है? सुनाई दे रहा है बट बहुत कम सुनाई दे रहा है बेटा, आपकी आवाज ना कम आ रही है बेटा आज। क्या मेरी आवाज कम आ रही है बच्चों आपके पास? मेरी ठीक आ रही है ना? ठीक है सौरभ, आपको आप कोई दिक्कत नहीं, आज मैं पढ़ने का बहन से बात कर लेता हूँ। पढ़ने का मेरी बहना चल रहे हैं बेटा, पढ़ने का तू भी बदल गई बेटा है। इशिता बेटा आपसे बात करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। नो सर, ये लड़की भी है। लो भाई इसकी बात कर रहे हैं बेटा, बताओ एक्स को मैं जीरो रख दूं तो वाई कितना होगा? पंडित क्या बोल रहे हैं इशिता? थ्री। बच्चों डब्बा बनाना आता है ना, डब्बा है डब्बा, डब्बे में सॉल्यूशंस, ऐसे ही करते थे ना इशिता नाइन्थ क्लास में? Yes, sir. कोई बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं भाई हमने तो नाइन्थ पढ़ी नहीं है, मोदी जी की बदौलत हम ऐसे ही पास हो गए हैं। अब भाई क्या नाम है, गायकवाड़? थोड़ी बहुत पढ़ी है। ओके अभी हमारे बहुत से बच्चे भी बेटा इस साल 12वीं में ऐसी सब बेटा है ना, देखते हैं अब क्या होता है बेटा। देश के हमारे इंजीनियर्स हैं बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं। देखिए बेटा x 0 तो y कितना? 3। x अच्छा y को 0 रख दो तो x कितना? सही है, x को 0 रखा बेटा तो y की वैल्यू 3 आ गई, ऐसे y को 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई। क्या हमें और कुछ सॉल्यूशंस लिखने की जरूरत है बेटा? इशिता ये दो ही सॉल्यूशन बहुत है यार, ठीक है और की जरूरत नहीं है बेटा यहाँ पे। तो लो भाई 0.3 कहाँ होगा, ये रहा भाई 0.3, 3.0 कहाँ होगा, ये रहा भाई 3.0, जे भी आएगा भैया
लो भाई बाल गोपालो, एक लाइन बन गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू थ्री। ये ठीक है इशिता? यस सर। अब उसकी बात करते बेटा, डब्बे के अंदर बनेंगे सॉल्यूशंस। बताओ x जीरो तो y कितना? अजी इशिता x जीरो को तो y कितना आएगा बेटा? माइनस वन। बच्चों देख पा रहे हो ना, x जीरो रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। ये ठीक है? बताइए y जीरो होगा बेटा तो x कितना हो जाएगा? वन। तो x की वैल्यू भी वन आ जाएगी। बताओ भाई कोई टेंशन वाली बात है इसमें? नो सर। नो सर। यार गोलू भाई किधर गया हमारा, गोलू भाई गायब हो गया भाई। तो भाई x जीरो तो y माइनस वन, x जीरो तो y माइनस वन, ये रहा यार। x एक तो y जीरो, ये रहा। ड्रॉ कर रहे हैं बेटे इस लाइन को अब हम। लो भाई इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दो, क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू में वन। इश्ता सही है? यस सर। इश्ता जरा ध्यान से देखो इस पॉइंट को, देख पा रही हो? यस सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा? 2, 1। x की वैल्यू आ रही है 2, देख पा रहे हो सभी बच्चे? x की वैल्यू है 2 और जो y की वैल्यू आ रही है बेटा कितनी, 1। बच्चों देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? यस सर। देख सकते हैं क्लियरली, यहां पर x की वैल्यू 2 है और जो y की वैल्यू है वो 1 है। यार जरा 2, 1 यहां पुट करके देखना सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। जरा वहां पुट करके देखो, x x की जगह 2 और y की जगह 1। यस सर सेटिस्फाई कर रहा है। 2 + 1 = 3, 2 - 1 will be 1। So, बच्चों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बेटा इन दोनों ही लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है यार। तो बच्चों इस पॉइंट को फाइंड करने की ही जद्दोजहद बेटा हमको इस पूरे चैप्टर में करनी है। चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है बेटा? यस सर। हमें दो इक्वेशंस दी होंगी, हमें ना एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी कि हाँ रामू की जो एज है 5 साल पहले इतनी थी, 5 साल के बाद उतनी है, श्यामू की एज इतनी थी बेटा 5 साल बाद उतनी है। तो इस तरह के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी होंगी कि मेरे दिमाग में एक 2 डिजिट वाला नंबर चल रहा है, उसमें मैं 3 जोड़ दूंगा तो वो ये बन जाएगा, 4 माइनस कर दूंगा तो वो बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा हमारे माइंड में आएंगे, तो हमारी बुक में देखेंगे भाई वर्ड प्रॉब्लम होंगी, उस वर्ड प्रॉब्लम को बेटा हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद बेटा हम लोगों ने फिर उसको सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में तो मैंने ग्राफ बनाया, बट हर बार हर क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है ना? क्योंकि यहां तो मैंने इक्वेशन ही आपको आसान आसान सी दी है, बट हर बार हमारे पास ये आसान इक्वेशन नहीं होंगी भाई, कभी कभी मुश्किल भी होंगी भाई। तो हर बार जो है ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो गाइस इसके ना हमने कुछ मेथड्स सीखने हैं, फिर मेथड्स की बात करेंगे बेटा। तो मेथड्स क्या क्या है, एक मेथड है बेटा ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला मेथड बेटा हमारा ग्राफिकल मेथड। क्लियर दिखाई दे रहा है क्या लिख रहा है? यस सर। ग्राफिकल। सेकंड है बेटा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मेथड है बेटा हमारा एलिमिनेशन मेथड। और एक है बच्चों हमारे पास, एक है बेटा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड है बेटा। वो जो चौथा मेथड है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है फिलहाल बेटा अभी, है ना? बट आसान सा ही है बेटा, बुक में तो क्या कह रहे हैं, बुक में तो सब कुछ है बेटा, पर हमको सब कुछ थोड़ी आता है। इस साल आएगा नहीं। इस साल कह रहे कि भाई नहीं देंगे, अब देखते हैं भाई। अच्छा तुम्हारे भी एमसीक्यू होंगे ना नवंबर दिसंबर में, ठीक है?
तो फिर तो बेटा वही है, कुछ किसी भी मेथड से करो, कोई टेंशन ही नहीं है। तो बेटा देखो ऐसा है ना, ये जो चीज है बेटा, इसके क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी 3.2 में दिखेंगे, 3.3 में दिखेंगे, 3.4 में दिखेंगे और 3.5 में दिखेंगे। तो बेटा 3.1 में क्या है, 3.1 में कुछ नहीं है बेटा, कहानी है जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। 3.1 में कुछ नहीं है बेटा भैया, ये सब बातें 3.1 में, बस हल्के बोल के कि यहाँ लीनियर इक्वेशन हो ही गया है। क्या बोल रहे हैं 3.6 में? अबे बता रहा हूँ यार, तू थोड़ा थोड़ा सबर तो रखा कर। 3.1 में मेरे दोस्तों फिलहाल अभी ऐसे कुछ खास है नहीं, फिर भी इसके बाद भी बेटा हमारे पास 3.6 भी एक एक्सरसाइज है और वहां पर भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो भी इन्हीं में से किसी एक मेथड से सॉल्व होने होंगे। ओके, तो उसकी भी चर्चा करेंगे भाई बाद में, ठीक है? तो फिलहाल बेटा आज मैं आपको ग्राफिकल मेथड, बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया है ना ग्राफिकल मेथड, कि भाई ग्राफ बनाओ, दोनों लाइंस को ड्रॉ करो, जहां पर भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया करेंगे बेटा वहां पर देख लो एक्स कितना है और वाई कितना है, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू होंगी वही बेटा हमारा आंसर हुआ करेगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में हमारा एक्स 2 के इक्वल है और वाई हमारा 1 के इक्वल है। इसका ये बात ठीक है बेटा? यस सर। अब बेटा मैं बात करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड की, अब बेटा मैं बात करूंगा यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड की। आज मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। देखें मतलब हाँ ये तो ऐसी था यार, ठीक है ना, x प्लस वाई था 3 एंड x माइनस वाई था 1। इशिता जी यस सर, x और y फाइंड करना है तो आसान सी चीज है बेटा, दो इक्वेशन हमें दे रखी होंगी, उनको नाम दे दो कि ये हमारे लिए इक्वेशन 1 है और ये हमारे लिए इक्वेशन 2 है। इश्ता ये सही है? यस सर। इश्ता किसी एक इक्वेशन को चूज करो, वो आपकी मर्जी है, किसी को भी चूज कर सकती हो आप, ध्यान से समझना सब अच्छे, किसी एक इक्वेशन को चूज करो भाई। सर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, या तो x की वैल्यू निकालोगी या y की वैल्यू निकालोगी, बताओ किसकी वैल्यू निकाली जाए? x। तो एक काम करो, x को ये रहने दो, y को उस तरह भेज दो, ये बात ठीक है? यस सर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आपने जो x की वैल्यू निकाली बेटा वो कहां से निकाली? 1 से निकाली है ना? यस सर। आपने x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है तो इस x की वैल्यू को 2 में पुट कर दो। अब इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 क्या है भाई, लिखो x माइनस वाई इज 1 और x है किसके इक्वल? 3 माइनस वाई। तो इस x की जगह पर बेटा आप 3 माइनस वाई लिख दो, 3 माइनस वाई, आगे भी एक y है वो इक्वल टू में वन है, ये बात ठीक है? यस सर। ये 3 माइनस 2y बन जाएगा, इक्वल टू में 1 रहेगा, फिर उसके बाद माइनस 2y ये रहने दो, 3 को उस तरह भेज दो, 3 राइट में जाके माइनस 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कट 2, माइनस 2 से माइनस 2 कट के बेटा आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये बात ठीक है? यस सर। y निकल गया, इस y को बेटा यहां पुट कर दो, देखो x निकल जाएगा आपका, बोल बेटा कोई दिक्कत वाली बात है? नो सर। बच्चों समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो चले आगे चले बेटा, एक क्वेश्चन और करें ऐसा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स
एंड y. तरीका बड़ा सेम है भाई, सिंपल है, सिंपल सरल सहज. 3x जमा 4y है वो 15 के बराबर है, ये क्वेश्चन 1 है. x जमा 5y बराबर 16, ये क्वेश्चन 2 है. इशिता ये सही है? यस सर. किसी एक क्वेश्चन को चूज कर रहे हैं बेटा, किसको चूज करूं, फर्स्ट को या सेकंड को? सेकंड को. सेकंड फ्रॉम सेकंड. सेकंड है क्या बेटा? x प्लस 5y इक्वल टू में 16. ओके बताओ x की वैल्यू निकालू या y की वैल्यू निकालू? x. x की वैल्यू जैसा आप बोलेंगे मैडम, आपके अकॉर्डिंग करूंगा, देख लो. ठीक है, x की वैल्यू निकाल दी भाई. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन. पता कौन सी इक्वेशन में पुट करूं बेटा इसको, वन में या टू में? वन में. वन में. इसको टू से निकाला हम लोगों ने. हीरो नहीं समझ रहा तू, हमने x की, हमने सबसे पहले इक्वेशन टू चूज करी, इक्वेशन टू से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी. इस x की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देना है. ठीक है, इन इक्वेशन वन. इक्वेशन वन है क्या? लिखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 और x की वैल्यू 16 माइनस 5y. देखो 3 और इस x की जगह पर 16 माइनस 5y प्लस में 4y इक्वल टू में है 15. देखो 16 3 48, 5 3 15. ये बात ठीक है इष्टा? यस सर. 15 और 4 माइनस का 11, 15 से माइनस करेंगे 48, 48 राइट में जाएगा बेटा. 15 माइनस 48 आंसर विल बी माइनस 33. आए सॉरी 33. वाई निकालना है बेटा, माइनस से माइनस कट रहा है, 33 के अपॉन में 11 आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी 3. बोलो बच्चों बात को समझे या नहीं समझे? यस सर. नहीं समझे मेरे ख्याल से तुम लोग, ये पिटाई मांग रहे हैं ऑफलाइन वाले बच्चे. अब इसको यहां पुट कर लो. क्या आ रही है बेटा एक्स की वैल्यू? 16 माइनस 15. हाँ भाई सौरभ. हाँ सर. नहीं समझ रहे मेरे ख्याल से तुम. समझ गया सर. कम या ज्यादा? सर बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा? हाँ. इतना ज्यादा मत समझ भाई. क्यों सर? दिक्कत हो जाएगी वरना. चलो भाई अब चले अगले अगले मेथड पे चले बेटा सौरभ. हाँ सर. अब ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. बताओ सब्स्टिट्यूशन आसान है कि नहीं है बेटा? है सर. दो इक्वेशन देर की होती है, किसी एक को चूज कर लेंगे. एक को चूज कर लिया दूसरे में, उसमें उसमें से फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ ही जा रहा है, है ना? है क्या होगा तुम रूट में होगा तो क्या दिक्कत है, कर लेना, डरने की क्या बात है, उसमें कर लो भाई. उसमें क्या है, होशियार बच्चे हो तुम, समझदार बच्चे हो, कर पाओगे तुम यार. ऐसे बच्चे मेरे को आज तक नहीं मिले भाई 10वीं के, जैसे मेरे को तुम मिले हो. पता नहीं क्या मिल गए ऐसे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को. ओ यार इतने खतरनाक बच्चे मिल गए, बताओ. चले इश्ता आगे चले बेटा. यस सर. अब बेटा मैं बता रहा हूं आपको एलिमिनेशन मेथड, बाकी परसों की क्लास में बेटा प्रैक्टिस करेंगे इसकी. और अभी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापित कर देना, और एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, विलुप्त कर देना. ठीक है बच्चों, तो तुम लोग बेटा पढ़ाई करो ढंग से, वरना ना ढंग से तुमको विलुप्त कर दूंगा बढ़िया से. हाँ ठीक है चले. हाँ भाई सौरभ. हाँ सर. सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है. ठीक है सर. ये वन है, ये टू है. ठीक है सौरभ. हाँ सर. सौरभ ये मेरे को सबसे सरल मेथड, सबसे सिंपल मेथड लगता है. क्या तेरे को भी लगता है? तेरे को नहीं लगता है ना? पता ही नहीं. मुझे तो पता ही नहीं कहां से लगेगा ना.
सर कोई नहीं, अब लगेगा। देख बेटा देख मुन्ना, x प्लस वाई तीन के बराबर है, x माइनस वाई एक के बराबर है। बता ये y का साइन, y का कॉफिशियंट और नीचे वाले y का कॉफिशियंट सेम है कि नहीं है? ऊपर भी वन नीचे भी वन, हाँ साइन अपोजिट है। जैसे तो इनको जोड़ेगा बता क्या ये अपने आप कट नहीं जाएंगे? ये x प्लस एक्स टू एक्स बन जाएगा, तीन और एक चार बन जाएगा। बता तेरे x की वैल्यू दो नहीं आ जाएगी? आ जाएगा। जब x तेरा दो निकल गया बेटा, इसको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले। ठीक है। क्या तेरा y वन नहीं आ जाएगा? आ गया। पता आंसर आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर। नहीं दिक्कत वाली बात। तो काम करते हैं, ये तो तेरे को काम समझ में आया, ढंग से समझ में नहीं आ सकता तेरे को। कौन सा सर? जो मैंने क्वेश्चन तेरे को अभी करवाया है ना, वो तेरे को अभी ढंग से समझ में नहीं आया बेटा। क्यों सर? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ नहीं आया तो भाई नहीं आया। समझ में आ गया भाई सौरभ, तू फिर मान नहीं रहा बात को। मैं बोल रहा हूँ नहीं आया, समझ ध्यान से बात। तीन एक्स जमा चार वाई बराबर पंद्रह है, ठीक है, और x जमा पांच वाई बराबर सोलह है। अब जोड़ जरा, कट रहा है पता? कट रहा है कोई? कैंसिल हो रहा है इसमें से कुछ भी? नहीं। अब तो नहीं हो रहा है ना? तो बोल बेटा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। होगी ना गड़बड़? फिर तुम समझते नहीं बात को यार, पल्ले मेरे भाई। अब एक काम करना पड़ेगा बेटा। क्या? तू किसको विलुप्त करना चाहता है, एक्स को या वाई को? है एक्स 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 को नहीं, तो वाई को करना चाहता है, ठीक है? ओके बता, यहाँ पे वाई के बगल में चार है, यहाँ वाई के बगल में पांच है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बेटा। ऊपर पांच से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे चार से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है सर? बता इससे क्या होगा? वो पांच से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेगा तो पांच तीन पंद्रह, पांच चौक बीस, पंद्रह पंजे पिचहत्तर। बता भाई सही है कि नहीं है? नीचे चार से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा चार एक्स, पांच चौक बीस और सोलह चौक चौसठ। बता भाई भेजे में बात सेट हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बता सेम सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सेम सेम लग रहा है सर। सेम सेम लग रहा है, बट क्या ये अपने आप कैंसिल हो रहा है? हाँ सर, 20 और 20 तो कहाँ कैंसिल हो रहा है, तो प्लस हो जाएगा, 40 नहीं बन जाएगा? भाई पिछले वाले में क्या था? पिछले वाले में मैंने कुछ किया ही नहीं, वो अपने आप ही जुड़ गए, वो कट गया बेटा, ये 2x बन गया। बट यहाँ पर अगर तू ऐसे जोड़ देगा तो 40 बन जाएगा ना? तो यहाँ पर ना एक चेंज करना पड़ेगा तेरे को, नीचे वाली जो इक्वेशन है ना पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दे, प्लस को माइनस कर दे, माइनस कर दे और इसको प्लस को माइनस कर दे। अब बता मेरे भाई ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। अब यह पंद्रह में चार जोड़ मत दियो, ठीक है, घटाना है। पंद्रह से चार के कितने? और पिछहत्तर से चौसठ गए। बता मेरे भाई x की वैल्यू आ गई वन? हाँ सर, x वन निकल गया। देखिए मैं समझा के कर रहा था, इसमें समय लग गया भाई, ठीक है ना? ठीक है। अब देख इस x को उन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर सकता है भाई। मैं वन में पुट कर लेता हूँ, तेरी मर्जी, कहीं भी पुट कर ले, ठीक है? x की जगह वन और y की जगह तो कुछ नहीं रखना, वो पता ही नहीं मेरे को अभी। पंद्रह माइनस तीन बारह, y की वैल्यू आ जाएगी तीन। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? नहीं सर। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों भेजे में बात सेट हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। एक और क्वेश्चन करें ऐसा? कहो सौरभ। हाँ सर। सुनते नहीं हो तुम ना यार, अभी देश का विकास नहीं हो पा रहा है। लो भाई ये क्वेश्चन आ गया, कैसा लग रहा है भाई हीरो? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? हाँ। पता किसको हटाना चाहता है, एक्स को या वाई को? सर वाई। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ और कुछ रहा, यहाँ माइनस कर रहा हूँ, ठीक है? अब कर रहे, किसको हटाना चाहता है, एक्स को या वाई को? वाई वाई। एक्स को नहीं भाई, कब तक तुम वाई को हटाते रहोगे यार?
पिछले दो क्वेश्चन लगातार तुमने वाई को हटा दिया, ऐसे अच्छा लगता है यार, कमाल है यार। वाई भी बोलता होगा गजब बेइज्जती है यार, है बताओ यार। चल कोई नहीं, वाई को हटा लेते हैं भाई। ऊपर वाई के साथ दो है, नीचे वाई के साथ सात है, तो ऊपर सात से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दे भाई। ठीक है दोस्त, तो सात से मल्टीप्लाई करेगा तो पहाड़ा वाड़ा ढंग से सुनाइए। सात तीन 21, सात दो 14 और 12 सत्ते 84, ये सही है। नीचे दो से मल्टीप्लाई है तो 8x 14y 16 2 32। बता क्या नीचे वाली इक्वेशन में साइन चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? सर अभी तो नहीं, अपने आप ही कैंसिल हो रहा है भाई, देख रहा है ना। हाँ। इनके साइन तो अपने आप ही अपोजिट है। हाँ। भाई 21 और 8 ये 29 बन जाएगा, 4 और 2 6, 8 3 11, सही है। हाँ। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ x की वैल्यू आ रही है 4, क्यों मेरे दोस्त 29 ही लेवल पड़ेगा तो 4 पे आ जाएगा बेटा। नाउ y भी निकालना है ना। हाँ। तो इस 4 को बेटा उन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में तो पुट कर सकते हैं, मर्जी है तेरी। हम 3x प्लस x की जगह 4, y तो मुझे मालूम नहीं है, ये 12 बन गया भाई। ये तो सर तो 12 कितनी है ले मेरा भाई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। बोलो बेटा समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रहा है सर। कैसा लग रहा क्वेश्चन? अच्छा सर। अच्छा है, तो आज तूने कितने मेथड सीखे बेटा? सर अभी तक दो। अबे तीन सिखा दिए हैं। अबे यार भाई ये बच्चे कितने मेहनत कर, उनके साथ तेरे बच्चे बोलते हैं कि मेहनत काउंट ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो भाई अब रह गया तेरा एक मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको बताऊंगा, पहले इन दो को एक बार रिवाइज कराऊंगा और अगली क्लास से बेटा सीधा वर्ड प्रॉब्लम चला करेंगे यार। ठीक है? ठीक है सर। ओके बेटा, ओके। ठीक है सौरभ भाई, आज ना बोलिए बेटा, कक्षा को लीड करने की जो जिम्मेवारी है वो आपके कंधों पे है बेटा। ठीक है, तो आपको काफी जोरों से बोलना है, तेज से बोलना है बेटा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, हमने जो पिछली क्लास थी बेटा उसमें हमने चैप्टर 3 शुरू किया था। हाँ सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज सौरभ भाई लग रहा है मेरे को, जोश में लग रहा है, पिछली क्लास में भाई थोड़ा उदास मायूस और थोड़ा हताश सा लग रहा था मेरे को, पता नहीं क्यों यार, उस दिन थका हुआ था भाई हमारा, उस दिन एक जोश की कमी थी बेटा आपके अंदर, मानो या ना मानो भाई, कुछ भी बोलो, जोश की कमी तो थी भाई। सर उस दिन जुकाम हो रखा था। जुकाम हो रखा था, ओके ओके ओके। मेथड्स, अब मेथड में भी बेटा एक हमारा था, सबसे पहला था ग्राफिकल मेथड। हाँ सर। फिर दूसरे नंबर पे क्या था बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरे नंबर पे क्या था भाई? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। चौथा क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सुंदर मेरे दोस्त। तो हमने तीन मेथड तो सीख लिए थे मेरे ख्याल से। हाँ सर। ग्राफिकल तो समझ में आ गया था सबको? हाँ सर। हमने एलिमिनेशन देख लिया था, सब्स्टिट्यूशन देख लिया था, तो एक काम करते हैं, एक बार रिवीजन मारते हैं जरा, एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से जल्दी से बड़े इसका आंसर निकालिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना आंसर इसका बेटा। ठीक है? ठीक है सर। हो जाइए शुरू जल्दी से। थ्री एक्स प्लस 5y। जिसका आंसर आ जाए बता देना बेटा। वंश त्यागी है हमारे साथ? वंश त्यागी, वंश वंश भाई भी मानी का गाय भी रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है यार। और अक्षय है, पर्णिका है,
सर y इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1। चलिए ठीक है, क्या बच्चों आप सभी का यही आ रहा है y 2 एंड x इक्वल टू 1। दे भाई तुम्हारा रुका हुआ है, दे भाई क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है बेटा, सिर्फ लिखना थोड़ी है। ओके फिर एलिमिनेशन से भी कीजिए बेटा इसका, इसको क्या करें बेटा, तू मार खा के मानेगा बेटा तू। ओके देखिए बच्चा, जो सबसे पहली क्वेश्चन है x माइनस फोर वाई, आकांक्षा आपका आंसर आ गया बेटा, आकांक्षा आपका आंसर आया? नो सर। ओके तो आकांक्षा एक काम करते हैं, आपने ये बताओ सबसे पहले कौन सी इक्वेशन को चूज किया बेटा, हेलो हाँ मैं भी कर, मैं इस पे कर देता हूँ, ठीक है सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। ओके अब चेक करो अब आवाज कैसी आ रही है, अब ठीक है? यस सर अभी ठीक है। यार आवाज कम क्यों आ रही है यार, अच्छा रुको 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 अभी आवाज ठीक करते हैं, अब चेक करो अब कैसी आवाज आ रही है, yes, सही आ रही है, पहले से बेहतर है? यस सर ठीक है, मैंने माइक ही थोड़ा गलत वाला सिलेक्ट कर रखा था यार। ओके चल देखिएगा बेटा, मैं हमारा ये है 3x plus 5y 13x minus 4y equal to minus 7। आकांक्षा मुझे ये बताओ आपने कौन सी इक्वेशन चूज करी है, आकांक्षा इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चूज करना है, आपने किसको सेलेक्ट किया है, आकांक्षा कुछ बोल नहीं रही है। चलिए भाई हमारा कह रहा है सेकंड इक्वेशन में चूज कर लो फ्रॉम 2, क्वेश्चन 2 क्या है x minus 4y, फटाफट से कर सकते किसका है x माइनस फोर वाई क्या बेटा माइनस में 7, यहां से x की वैल्यू बड़ी इजीली निकल सकती है, इसको राइट में भेज दो 4y माइनस 7, ये x निकल गया, ये x हमने कौन सी इक्वेशन से निकाला सेकंड से, तो अब मैं इसको कहां पुट कर दूंगा सेकंड, अब मैं इसको पुट कर लूंगा इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, पहले इक्वेशन 1 को लिख लो भाई 3x plus 5y 13 के इक्वल है, x की जगह पर लिख देंगे 4y minus 7 प्लस में 5y इक्वल टू में है 13, 4 × 3 = 12, 7 × 3 = 21, 5y इक्वल टू में 13, ये ठीक है। अब देखिए 12y और वो 5y कितना बन जाएगा 17, ऐसे 21 को राइट में भेज देंगे तो 13 प्लस में 21 बन जाएगा 34, यहाँ पे क्या है 17y, तो बता बेटा y की जो वैल्यू निकलेगी 34 को डिवाइड करोगे 17 से तो क्या हमारा आंसर 2 नहीं आ जाएगा, ठीक है आकांक्षा ये सही है बच्चे, अच्छा है नहीं है बोल नहीं रही है, अरे रियलमी C2 कौन है भाई, यस भैया मैं गौतम, अच्छा गौतम तो ऑफलाइन नहीं आया आज भैया, वो थोड़ी बारिश हो गई थी भैया मैं इसलिए नहीं आ पाया, बारिश होगी बेटा है चल ठीक है बेटा, हाँ भैया ओके। फिर है x इक्वल टू है 4y माइनस में 7, 4y की जगह 2 तो 8 माइनस 7 ये x आपका आ गया होगा 1। बोलो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कांशा सर मेरे ना कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है कांशा, कांशा बेटा आपको समझ में आ गया है ना, ओके आप मैसेज लिख के बता सकती हैं बेटा, अजी सो गाइस एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ एलिमिनेशन की तरफ, सेम क्वेश्चन को बेटा अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करना चाहेंगे, सेम क्वेश्चन बेटा हमारा हम इसको एलिमिनेशन से करना चाहेंगे, ओके एक्स को इजी है ज्यादा, चलो वाई को कर लेते हैं, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे 5 से, अब भाई सौरभ सही है, हाँ सर बच गए 4 × 3 = 12, 4 × 20 = 52, और नीचे 5 से क्या होगा 5x - 20 माइनस में सर वहां पे 12 होगा,
पर ये नीचे हाँ. अच्छा अच्छा और 3 12 13 क्यों लिख दिया मैंने फिर ये देव की संगत में रह गया ऐसे हो रहा है भाई है? चलो यार भाई यहाँ पे 20 से 20 अपने आप ही क्या हो गया कैंसिल और ये 12 और 15 17 ये भी 17 आ रहा है तो x की वैल्यू तो कैंसिल होगी पूरी क्या बन गई 1 बन गई. अब इसको बेटा आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो नीचे वाले में x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 7 है x की वैल्यू निकली है 1 x की वैल्यू निकली है 1 4y इक्वल टू माइनस 7 7 को लेफ्ट में ले आओ तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 कोई दिक्कत बच्चों सही है ना हाँ सर तैयार है तुक्के में से आ गए हैं. चलिए अब मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता दूं बेटा. हाँ सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी बेटा बोलिए सर एक्चुअली इस बार सर ये वाला मेथड नहीं है सिलेबस पता है बेटा मुझे मैं तभी करा दूंगा इस चीज को मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में मेथड में मैं कोई चीज छुड़ाऊंगा नहीं आप लोगों को यार ठीक है ओके सर. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए इसमें क्या होता है यहां पर बड़ा एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि जो इक्वेशन है ना सब कुछ लेफ्ट साइड में रहना चाहिए राइट साइड में क्या रहना चाहिए ओनली जीरो जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो ओके बच्चों हम यहां पर एक्स के अपॉन में वाई के अपॉन में और 1 के अपॉन में कुछ चीज आएगी वो आप लोगों ने याद रखनी है. वो क्या चीज है बेटा देखिएगा x है ना x के अपॉन में देखो इस वाले पार्ट को छोड़ दो इस वाले पार्ट को छोड़ दो ये चार चीजें दिखाई दे रही है हाँ, ये सर. ये इतनी चार चीजें दिखाई दे रही है सौरभ हाँ सर. बेटा इन चारों में आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है बी वन की मल्टीप्लाई सी टू से करनी है माइनस बी टू की मल्टीप्लाई सी वन से करनी है ठीक है दोस्त ठीक है सर. अब ऐसी ये सी वन पे खत्म हुआ ना हाँ सी वन से शुरू होगा सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन ठीक है दोस्त ठीक है सर. ये ए वन पे खत्म हुआ हाँ ए वन से शुरू होगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन बी वन पे शुरू और वो बी वन पे खत्म ठीक है. ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है मतलब ये एक फॉर्मूला है बेटा जो आपका एज इट इज याद रखना पड़ेगा और इसके आधार पर बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है ठीक हाँ. यहाँ वाला बच्चे ऐसे भी याद रख सकते हैं बी सी माइनस बी सी सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी बी सी ए बी सी माइनस बी सी सी ए माइनस सी ए और ए बी माइनस ए बी हाँ इसमें नंबर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 समझ में आ रही बात ओके बच्चों यहां तक ठीक है ना ये समझ में आ गया आप लोगों को हाँ सर फॉर्मूला समझ में आ गया. हाँ अब देखिए ऐसा ना इस क्वेश्चन को करना भाई हमने अब तो सर भाई मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर आपका सहयोग चाहिए भाई ठीक है ठीक है सर. तो जब तक पड़ोसी का इंटरनेट चलेगा तब तक हमारी क्लास चलेगी ये बात मानते हो भाई सर ठीक है ना तो देखो भाई इसीलिए बेटा आस पड़ोस में सबसे बना के रखनी चाहिए बेटा समझ पा रहा कारण हाँ सर. लो भाई ये हो गया बच्चों जरा मेरे को बताओ ए वन बी वन और सी वन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इस इक्वेशन में 3 5 और -13 सही बात है हाँ सर. ए टू एक्स के साथ 1 है माइनस का 4 7 7 सही बात है हाँ सर. अब देख मेरे दोस्त मैं इस चीज को ना अगले पेज पे ले जाता हूँ सीधा ठीक है सर. ये वरना ना तुम बाद में उनको तुमको दिखेगा नहीं वरना फिर ले भाई ये चीज आ गई हमारे पास
अब देख मेरे को ये बता, x के अपॉन में फॉर्मूला क्या था, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, y के अपॉन में था सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, और वन के अपॉन में था ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये बात ठीक है? हाँ सर। ले भाई, बी वन की मल्टीप्लाई सी टू से करनी है, पांच की मल्टीप्लाई सात से, पांच इंटू सात डायरेक्ट लिख दो पैंतीस। हाँ सर। बी टू की मल्टीप्लाई सी वन से, माइनस चार की मल्टीप्लाई माइनस तेरह से करनी है, तो माइनस चार की मल्टीप्लाई माइनस थर्टीन से करेगा तो 52 बन जाएगा प्लस का। हाँ सर। बट बाहर तो ऑलरेडी माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे यहाँ पे ठीक है सर, सी वन की मल्टीप्लाई ए टू से, सी वन की मल्टीप्लाई ए टू से, यानी वन इंटू माइनस थर्टीन, माइनस थर्टीन लिख दू, फिर माइनस सी टू इंटू ए वन, सी टू है सेवन, ए वन थ्री, सेवन इंटू थ्री माइनस थर्टीन कैसे आया, थर्टीन कैसे आया, वन की मल्टीप्लाई माइनस थर्टीन, ठीक है सर, सी वन की मल्टीप्लाई टू से कर दी, देन ऐसे यहां पर ए वन बी टू, ए वन बी टू थ्री इंटू माइनस फोर, ठीक है ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, ए टू बी वन, ए टू बी वन वन इंटू फाइव फाइव, ये ठीक है दोस्त? हाँ सर। माइनस का सत्रह बन जाएगा, माइनस का चौतीस बन जाएगा, और ये माइनस में सेवनटीन बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। अब देख सौरभ भाई, काम करना है तेरे को, एक्स के अंदर में माइनस सत्रह है ना, हाँ। इसको उसके इक्वल रख दे वन के, ऐसे ये जो वाई के पॉइंट में माइनस थर्टी फोर है, हाँ। इसको भी इसके इक्वल रख दे, ठीक है सर। ले भाई, यहाँ माइनस सत्रह ऊपर चले जाएगा, अब वन वे में माइनस का सत्रह रहेगा, कैंसिल होकर हमारा आंसर बन जाएगा वन। ये बात समझा? हाँ सर। ऐसे माइनस चौतीस वहां ऊपर चले जाएगा, अपॉन में माइनस सेवनटीन है, और वाई की वैल्यू आ जाएगी टू। टू कोई टेंशन वाली बात है दोस्त? नहीं सर। तो बता कैसा लगा बड़ा ये वाला मेथड? सर सबसे इजी यही है। सबसे इजी यही है? हाँ सर। क्या बात कर रहा है? सही में सर। ये मतलब ये सौरभ तो कैसी बात कर रहा है यार, है? बड़े तेजस्वी बालक हमारे यार। ओके, तो ये समझ में आ गया सबको, आगे की तरफ बढ़े भाई? हाँ सर। चलिए तो ठीक है बेटा, अब सौरभ मैं अब आपको मैं ऐसी चीज बताने वाला हूं ना, दिल खुश कर देने वाली बात। ठीक है सर। मतलब दिल खुश लेकिन तभी होगा जब आप जब बच्चों को मैथ्स अच्छी लगती है, ठीक है ना? हाँ। देख बेटा, जो लाइंस होती है ना बेटा, लाइंस, हाँ, जब हम पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे, तीन सिचुएशन पॉसिबल होंगे बेटा, या तो वो दो लाइन क्या होंगे बेटा सर, क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है दोस्त? हाँ सर। हैं? हाँ। कौन से टॉपिक करा रहे हो? टॉपिक करा रहे हो? अरे टॉपिक ही टॉपिक चल रहे हैं बेटा, जो पढ़ा रहे हो पढ़ते रहो बेटा, आंख बंद करके विश्वास करो, ठीक है? ओके, ये लाइन है इंटरसेक्टिंग, इस सिचुएशन को बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है भाई सौरभ? हाँ सर। देख, यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो इसकी पहचान होती है बेटा, जैसे देख मान लीजिए तेरी जो पहली लाइन है वो ऐसी दिखती होगी सर, सुनाई नहीं दे रहा है, ये तेरी दूसरी लाइन है, ऐसी दिखती होगी सौरभ, ये सही है? हाँ सर। तो सौरभ, इस इक्वेशन की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या नहीं होगी। अब शक्ल देखकर कैसे पता लगाएं? तो बड़ा रूल है सर, सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलने को सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं सर, बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या बेटा, बता दे बेटा तू सौरभ। सर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरी आवाज अच्छा, क्या इसी तरह क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? यस सर, आ रही है। सौरभ बहुत मारेंगे बता रहे तुमको, ठीक है ना?
मारेंगे दो गिनेंगे एक। हाँ मेरे नेट का प्रॉब्लम हुआ सर। चल देख भाई, तो इशिता मेरी बहन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए रूल है कि ए वन के अपॉन में ए टू जो होगा ना वो कभी भी बी वन अपॉन बी टू के इक्वल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये कौन सी सिचुएशन है? यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट, ये कब होते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, तो हम इस सिचुएशन में बोला करते हैं सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट। एक शब्द और एविडेंस के लिए, क्या? कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। एक देखिए इशिता मेरी बहन, एक सिचुएशन हमारी क्या हो सकती है, ये पहली लाइन है और इसके ही ऊपर से जा रही है एक दूसरी लाइन। पहली ही लाइन के ऊपर से कौन जा रही है बेटा? एक दूसरी लाइन जा रही है। तो इशिता मेरे को ये बताओ, इन दो लाइंस के ऊपर कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे? सर बहुत सारे। बहुत सारे। ये पॉइंट भी दोनों लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट भी दोनों लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट भी दोनों लाइन के ऊपर है। क्या मैं कह सकते हैं ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो दोनों लाइन के ऊपर होंगे? यस सर। तो बेटा ये जो सिचुएशन हमारी है, इस सिचुएशन को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन्स, संपाती रेखाएं। और इस सिचुएशन में बेटा यूनिक नहीं होते, इस पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अनंत हल हुआ करेंगे भाई, अनंत हल। ऐसे ही यहां पर एक बात और पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का तरीका बेटा, इस बार ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू, ये सब इक्वल होंगे, सब इक्वल होंगे। यहां पर जबकि क्या था, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू था। सी वन अपॉन सी टू को चेक करने की जरूरत ही नहीं, आपको इन दोनों से मतलब रखना बस। बट यहां पर क्या है, तीनों तीनों का रेशियो इक्वल। इसको भी आप कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फिर एक सिचुएशन कौन सी हो जाएगी, पहली लाइन दूसरी लाइन। हाँ भाई सौरभ। हाँ सर। दोनों लाइन कैसी हो गई सर? पैरेलल। पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो गई है मेरे भाई, तो क्या कभी, क्या इनके बीच में कोई भी पॉइंट ऐसा कॉमन होगा दोनों पे? नहीं सर, दोनों पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। क्या बोल देंगे, पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन की सिचुएशन में नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं है बेटा, जिसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है सौरभ भाई। हाँ सर। पहचान क्या है इसकी, ए वन और ए टू का रेशियो बी वन और बी टू के रेशियो के इक्वल तो होगा, लेकिन वो सी वन और सी टू के रेशियो के इक्वल नहीं हुआ करेगा। समझ में आ रही बात? हाँ सर। क्या क्या करें, ये तो पता नहीं, यहां तो नहीं, फिर अभी क्लास चल रही मेरी तो। अभी तूने यूज किया था क्या उसको? नहीं, घर पे नहीं, घर पे नहीं। ओके सौरभ भाई, ठीक है। हाँ सर। तो सौरभ भाई, अब तक देख जो भी मैंने तेरे को चीज सिखाई है ना, हाँ, वो मैंने तेरे को ये सिखाया है कि सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, या तो वो कंसिस्टेंट होते हैं या फिर वो इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट होने का मतलब होता है कि सॉल्यूशन होना चाहिए, और वो कब कब हो सकता है, जब या तो हमारे यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर हमारे
मैन ही सॉल्यूशन हो, मानता भाई? हाँ सर। और यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब लाइन हमारी कैसी होती है सर, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हुआ करेगी भाई, ठीक है? ठीक। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब नो सॉल्यूशंस होंगे। नो सॉल्यूशंस कब होंगे? जब पैरेलल लाइन होगा। जब लाइन पैरेलल होंगी। अब पहचान भी थी बड़ा इनके कुछ? हाँ सर। ए वन अपॉन ए टू जो होता है वो नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, बी टू होता है। इसमें क्या था? A1 upon A2, A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2, ठीक है? बट यहां पर बेटा, यहां पर हमारा A1 upon A2, B1 upon B2 is not equal to C2, C2, समझ में आ रही बात? हाँ सर। बेटा मैं ऐसा है ना, मैंने तेरे को सौरभ सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने तेरे को 3.3 बता दी। एलिमिनेशन मैंने तेरे को 3.4 बता दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने तेरे को 3.5 बता दिया। अब मैं दोबारा से तेरे को 3.2 में ले आया हूं बेटा, ठीक है? ठीक है। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नहीं सर। बेटा जो समझाऊंगा वो समझ में आना चाहिए सारा। अब थोड़ा मेरा तरीका ही ऐसा बेटा यार, उल्टा सीधा ऐसे करने का, ठीक है ना? प्लीज कोई बच्चा बुरा मत मानना यार, यही है ना, क्या कर सकते हैं बेटा। अब क्वेश्चन देखते हैं ध्यान पूर्वक से, हैं समझेंगे? ठीक है सर। मैं बोलता हूँ 2x plus 3y is equal to 6, 4x plus 7y is equal to minus 8। शक्ल देखकर बताना है कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे, क्या लगता है आप लोगों को? a1 और a2 को डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है। दो को डिवाइड करो चार से, क्या आ रहा है बेटा? 1/2। जरा B1 और B2 को डिवाइड करो बड़ा, क्या रहा बताना? क्या 1/2 और 3/7 एक दूसरे के इक्वल होते हैं? नहीं सर। नहीं सर, इक्वल तो नहीं होते। इक्वल होते तो भैया सेम सेम दिखते दोनों, नहीं दिख रहे भाई। तो क्लियरली बेटा विजिबल है आप सभी को, दे आर नॉट इक्वल। सो क्या बोल देंगे, लाइन्स कैसे हैं? इंटरसेक्टिंग। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशंस कह सकते हैं? हाँ सर। कंसिस्टेंट कह सकते हैं? हाँ सर। कोई टेंशन वाली बात है दोस्तों? अभी चश्मो समझ रहा है? ठीक है भाई। बोलो बेटा कैसे सॉल्यूशन होंगे इसमें? सर बता रहे हैं, सोचिए जरा ध्यान से। बोलिए बेटा सर, एक बार लास्ट लाइन दिखा दो। एनी सॉल्यूशंस? बोलो बेटा क्या हो गया बेटा, बोल पढ़ने का। बस एक चीज चेक करनी थी। बोलो सर, एक चीज चेक करनी थी, हो गया। आई थिंक नोट कर रही है शायद, क्या हो गया बेटा? बोला कि एक चीज चेक करनी थी। अच्छा एक चीज चेक कर, अच्छा एक चीज चेक कर रही थी। एक गले इनको सुनाई नहीं देता नालायक को, वो माइक तो क्या स्पीकर तुम्हारे पास में एकदम। हटा दो बेटा। यस सर। हाँ भाई कॉपी में तरीके से निकालो रेशियो जरा एक बार। सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ओके। नो सर, नो सॉरी, नो सॉल्यूशंस होंगे। बहुत मारेंगे बेटा बता रहे हैं। 3/6 1 by 2 आ रहा है, फिर b1 upon b2 minus 2 बटे minus 4, ये भी 1 by 2, c1 upon c2 8/12। अब भाई सौरभ
हाँ सर। यहाँ तो बेटा ये तो क्या बात होगी, ये दोनों तो इक्वल है यार, और सी वन और सी टू नहीं है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। अबे दो तो पहले ही केस हो गया ना, जब पहले दो इक्वल नहीं होंगे तो तीसरे को तो चेक करने की जरूरत नहीं हो, तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हो गया। तीनों इक्वल हो जाएंगे तो मैनी सॉल्यूशन, पहले दो इक्वल है बट तीसरे के इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई है और इस सिचुएशन में हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। चले बच्चों आगे चले, अब एक इसका आप लोग बताना भाई। चलो इसका बताओ फटाफट से। इन दोनों में बताओ इसमें क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है यार, आंसर आगे बच्चों। इशिता आंसर आ गया? इशिता आंसर आया बेटा? यस सर, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है बच्चों, A1 को डिवाइड किया होगा A2 से। अच्छा इसमें एक काम कर सकते हैं आप लोग यार, अगर तुमको दिक्कत, चलो कर ही लो ऐसे कर लो यार, A क्या है 2/3 है ना, डिवाइड किससे करना है, 7 से, 7 के पॉइंट में कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होगा, तो देखो ये 2/3 इंटू में 1/7 नहीं बन जाएगा, नीचे वाले से उल्टी हो जाएगी, नहीं समझे? एक गधे हैं बताओ यार, क्या यार नालायक है। देख तू ना यार, मैं बता रहा हूँ मेरी गली के जो बच्चे हैं ना, ये तू ही एकमात्र ऐसा निकल रहा है प्राणी, मैं बता रहा हूँ, और अब तक जितने निकले सब होशियार निकले हैं। नहीं नहीं नहीं, तू वो पहला नहीं हो, तो दूसरा होगा, पहले प्रिंस भाई भी था ना हमारा, ये बगल वाला जो प्रिंस था वो तो इतने तो गधा था एक नंबर का। आ भाई 4/5 8/3 ये 4/5 अरे 3/8 तो 3/10 बन रहा भाई, ये तो बताओ क्या वो तो नहीं इक्वल है भाई, इक्वल नहीं है यार, नहीं। जब इक्वल नहीं है बच्चों तो क्या बोल देंगे सर, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं? हाँ सर, इंटरसेक्टिंग लाइन। बोलो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? रेशियो निकाला, B1 क्या है 4/5 है, उस 4/5 को डिवाइड करना है B2 से, B2 क्या है 8/3, तो 8/9 अरे बाप रे। अबे बच्चों का मुंह बंद करा बेटा, बच्चों का माइक ऑफ कर वरना नालायक होता हो यार, फीस लग जाएगी बोला है, ठीक है ना, फीस लग जाएगी बोल, ऐसे नहीं पढ़ाते बोल फ्री में, जो तो बच्चों को पढ़वाना है यार, एक गधा इतना ध्यान खुद दे देता ना, मैं बता रहा हूँ ये टॉप कर जाएगा। गौतम भाई ऐसे मत कर भाई, अरे भाई भैया बहन थी वो इसलिए आ गई बीच में, फीस लग जाएगी बोला, ठीक है डबल फीस चार्ज करूंगा फिर, कहीं सोच रहा हूँ कहीं नहीं, 4/5 अरे 8/3 देख नीचे जो है वो 3/8 बन गया, 4 से 8 कट गया, 2-3 ऊपर है, 5 2 10 नीचे आ गया भाई, देखो अलग चीज आ रही है अलग चीज आ रही है, जब रेशियो इक्वल नहीं तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया ना भाई, ये तो ये नहीं। चलो भाई बालको अब जरा एक क्वेश्चन बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपकी बुक से 3.2 से, जरा समझना भाई ध्यान से, आप लोगों ने ग्राफ बनाना है इसका, ओए गधों बहुत पिटोगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन तीन से ना बेटा, इन तीन चीजों से एक ट्राइंगल बन रहा है, कह रहा उसका एरिया निकालो, उसका एरिया निकालना है भाई,
निकाल देंगे। अब भाई सौरभ करते शुरू। हाँ सर। देख पहली जो लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, वो डब्बा बनाना आता ना मैडम को। हाँ सर। पता x जीरो तो y कितना? सर x जीरो तो सर माइनस वन। वन यार, x का जीरो रख देगा तो माइनस वाई जो है वो माइनस वन बन जाएगा, तो y की वैल्यू वन नहीं हो जाएगी। यस भैया, माइनस वन आएगा। अब y जीरो हो तो बताओ x कितना? सर माइनस वन। माइनस वन। ये देव ने तो नाक ही कटवाई है, बस मैं बता रहा हूँ ना। अब ये ठीक है ना? यस भैया। ऐसे ही उसकी बात करें। ये कितने तक बनेगा? क्या बोला सारा, फिर से बोल। सर ये टेबल टू कितना तक आगे बढ़ाना है? बेटा देख, लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं बस। ठीक है सर। ठीक है, वो दो मेरे बन गए। हालांकि बच्चे ना अभी लगे रहते हैं और डब्बे बनाने में। भाई इतने क्यों बना रहे हो? क्यों? ठीक है सर। भाई नौवीं क्लास में नहीं है तू। बड़ी क्लास में आ चुका है यार। हाँ भाई बालको, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये इसको कुछ हो गया है। पबजी वबजी खेल रहा है ना आजकल? रीसेंट ऐप में सबसे पहले टॉप नंबर पे वही होगा है। एक्स जीरो बताओ भाई, एक्स जीरो तो वाई कितना? सिक्स हो जाएगा। ये जीरो तो टू वाई बारह, तो वाई हो जाएगा सिक्स। और वाई जीरो तो एक्स कितना? फोर। वाई थ्री एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, तो एक्स आ जाएगा फोर। अब भाई सौरभ सही है? हाँ सर। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना भाई? नहीं सर। बोल दियो भाई, ऐसी भी बात हुई तो ठीक है सर। इसी रहा भाई। अब सही है। चुप रहा यार। अब भाई बच्चों ठीक है ना? सौरभ भाई सही है? हाँ सर। सौरभ भाई को जुकाम लग गया था परसों यार, इसलिए भाई नहीं आया। ओके, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। एक्स जीरो तो वाई एक, क्या यही पॉइंट है? और एक्स माइनस एक तो वाई जीरो, ये ना? यस भैया। कर लें ज्वाइन। तो भाई एक चीज आ गई, ये हमारे लिए क्या थी? एक्स माइनस y इक्वल टू माइनस वन। देन सेकंड x जीरो तो y छे, रंग बदल देंगे इसका यार। कौन सा रंग रखेंगे? ये रख लेते हैं। तो एक दो तीन चार पांच छह, ये रहा सही है। और x चार तो y जीरो। लो भाई सही है वालों को? हाँ सर। अब देख सकते हो भाई आप लोग, यहां पर ही पॉइंट आप क्लियरली देख सकते हो, एक्स को एक्स की वैल्यू दो है और वाई की वैल्यू सही है। नजर आ रहा है सभी को? हाँ सर। देख भाई टू माइनस थ्री, देख माइनस वन आएगा। अगर टू यहाँ रखे, देखो दो तीन दो नीचे, वाई की जगह तीन रखो, तीन दो नीचे छह और छह बारह आ जाएगा, सही है? यस सर। बता भाई ट्रायंगल बन रहा है कोई यहाँ पे? हाँ सर बन रहा है ना। बन रहा है सर, बन रहा है। पक्की बात है ना? पक्की बात। हाँ सर।
लो भाई हमने सुंदर सा ट्राइंगल भी बना दिया। बड़ा कर दो इसको यार, तब ज्यादा तेजी से बनेगा। अरे कलरफिल वाला ऑप्शन इसमें नहीं है यार, मैंने एंड्रॉइड वाला यूज करता हूँ ना, वो दूसरे वाले सॉफ्टवेयर पे है और उसमें इतना स्मूथ चलता नहीं है। लो भाई ये हो गया, ठीक है सौरभ भाई। हाँ सर। बड़ा अजीब सा लग रहा है, लगी ना? नहीं सर। आप सही लग रहा है, अभी सुंदर लग रहा है, ठीक है। ओके सौरभ, इसका एरिया निकालना है। ये पॉइंट तो हो गया माइनस वन कॉमा जीरो, ये पॉइंट क्या हो गया, एक दो तीन चार, फोर कॉमा जीरो, सही बात है। मेरा भाई सौरभ ऐसा है ना, एरिया कलर ही मैंने बदल दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पता भाई सही बात है कि नहीं है? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे लंब। अब देख बेस, यहां से बेस देख गिनो जरा एक बार, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच यूनिट है। हाइट की बात करते हैं, हाइट यहां से लेके यहां तक की हाइट, वन टू थ्री, सही बात है। पांच से पंद्रह बटे दो, साढ़े सात यूनिट स्क्वायर। बता भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया सर। क्या बच्चों आज का पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया सर, पिटाई मांग रहे हो, पिटाई मांग रहे हो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन बड़े देखिए एक बार, क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन फाइव बड़े पढ़िए एक बार सभी बच्चे। हाफ द पैरामीटर, कौन सा एक्सरसाइज था? क्या बेटा कौन सा एक्सरसाइज था? ये 3.2 है बेटा, ठीक है। बाकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख ही रहा है ना? हाँ सर। कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेट। गोलू प्रॉब्लम है कोई? तो बहुत मारेंगे, सुन रहे? दोबारा पढ़िए, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें गार्डन के डायमेंशन फाइंड करने बेटा। क्वेश्चन सबको विजिबल है बच्चों, एकदम क्लियर? कहता कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कर रहा है यार। ये हमारे 3.2 का है बेटा और क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर है 5। स्क्रीन पर जो भी लिखा होगा क्लियर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा बेटा, वो किसी रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कर रहा है। देखिए रेक्टेंगल में लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है, इस बात को मानते हैं बच्चों? हाँ सर। हमारा जो पैरामीटर होता है ना बेटा, पैरामीटर को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। और इस क्वेश्चन में पैरामीटर कितना दे रखा है, हाफ द पैरामीटर इज 36 मीटर, हाफ द पैरामीटर इज 36 मीटर, इस बात को मानते हो? हाँ सर। तो हाफ पैरामीटर कितना दे रखा है, 36 मीटर। हाफ पैरामीटर का मतलब 2 नहीं आएगा? हाँ। बोलो भाई ये बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हमें हाफ पैरामीटर की बात बोलिए, फुल पैरामीटर अगर कहता था ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई होता, बट इसमें हाफ बोला तो 2 नहीं आया, राइट। फिर से आगे इसमें एक बात और बोली थी, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ अगर वाई है और लेंथ अगर एक्स है तो उस विड्थ में 4 जोड़ना पड़ेगा तब जाके वो लेंथ की बराबरी करेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? Whose length is 4 meter more than its width, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। मेरे दोस्तों जो लेंथ है वो विड्थ से बड़ी है, कितना बड़ी है? 4 मीटर। अगर जो छोटा है उसमें 4 जोड़ दो तो दोनों बराबर आ जाएंगे। लेंथ यानी x, आप इस y को भी लेफ्ट में ले आओ,
x माइनस वाई इक्वल टू फोर। ये बताइए क्या अब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बेटा? हाँ सर हो जाएगा आगे। हाँ सर क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें ये चीज? भाई मैं तेरे से बोलता हूँ y को लेफ्ट में लिया मेरा भाई खतरनाक एकदम बहुत बढ़िया। चले अगले की तरफ चले। हाँ सर चले 3.3 में मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है? सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू क्या है बेटा? mx plus 3। ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास बताइए कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए भाई? हम पहले 2x plus 3y equal to 11 को और 2x minus 4y equal to minus 24 को इन दो को पहले सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर लो x की जगह और y की जगह वैल्यू पुट कर लो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी फिर यार क्या बोलते हो? हाँ सर करके दिखाओगे अभी? हाँ सर करो स्टार्ट करो ठीक है। 2x plus 3y जो है वो 11 के इक्वल है तो 2x minus 4y जो है वो हमारा minus 24 के इक्वल है। फटाफट से सॉल्व करके जल्दी से इसमें x और y की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? विजिबल नहीं है क्या बेटा? दिख रहा ना क्लियर? इस पे आई थिंक एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी रहेगा है ना क्योंकि अभी ये प्लस में है तो माइनस कर दो प्लस कर दो इसको प्लस कर दो इसमें होगा क्या 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा 3y और 4y 7y हो जाएगा 24 और 11 मिल जाएगा 35 हमारे y की वैल्यू 35/7 y आ जाएगा 5 y की वैल्यू 5 आ गई फिर 2x plus 3y 2x plus 3y जो है वो 11 के इक्वल है y की वैल्यू पुट कर दो उसमें वैल्यू आ जाएगी माइनस में 2। बच्चों क्या आप लोगों का ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों के सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर x का निकाल रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस 3 y की जगह 5 x की जगह पे माइनस 2 5 माइनस 2m 2m लेफ्ट में आ जाएगा 3 माइनस 5 विल बी माइनस 2 m बेटा चेक करो माइनस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है माइनस 1 माइनस 1 आपने कर लिया था बेटा क्वेश्चन पहले? यस सर ओके हाँ सर माइनस 1 आ रहा है माइनस बना रहा है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़े फिर इसी बात पे। हाँ सर चले गाइस वर्ड प्रॉब्लम की तरफ पहला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 ठीक है भाई दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 26 है। बच्चों जब डिफरेंस की बात करें ना तो याद रखिएगा दो नंबर आपको लेट करने हैं
let x and y be the required numbers. सौरभ भाई ठीक है? हाँ सर। अब इसमें भी एक assumption कर लेना बेटा कि x बड़ा है और y छोटा है। ठीक है सर। ठीक है? हाँ। अब इसने जो बात बोली है ना कि उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 26, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सर मल्टीप्लिकेशन। सौरभ भाई मेरी एज है 27, हाँ ठीक है, और तेरी एज है 16, हाँ पता डिफरेंस कितने का है? सर 11 इयर्स। चल भाई मेरी एज है 27 और तूने बोला तेरी एज है 16, ठीक है, तो जो दोनों का जो डिफरेंस है भाई वो 11 है, सही बात है ना? हाँ, तो तूने क्या किया, बड़े में से छोटे को घटाया ना? हाँ, सही बात है। तो यहाँ पर भी एक नंबर है एक्स और एक नंबर है वाई, ठीक है, एक बड़ा तो होगा ना? हाँ, तो इसलिए मैंने एक्स को बड़ा मान लिया है क्योंकि हमें बड़े में से ही हमेशा छोटे को माइनस करना है, सही बात है? ठीक है सर। और डिफरेंस कितने का है? 26 का है। तो मेरे दोस्त अगर तू ये कंडीशन नहीं लिखता तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बनती है ना कि क्या पता x माइनस वाई 26 के बराबर हो, क्या पता वाई माइनस एक्स 26 के बराबर हो, क्यों? हाँ, हाँ, तो इसलिए बेटा हमने यहाँ पे एजम्पशन मान ली है कि x बड़ा है किससे, वाई से। फिर आगे से एक बात और बोली, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो क्या है? सर थ्री टाइम्स छोटा का। छोटे नंबर का तीन गुना है। मैं बोलता हूँ एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर 30 होगा। हाँ, भाई हाँ, मैं बोलूँ इसको इक्वल कैसे बनाओगे, तो भाई जो छोटा उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो। हाँ, क्यों भाई, तीन गुना है ना? हाँ, छोटा नंबर कौन है, वाई है, वाई को तीन गुना कर दो कि तो वो बड़े की बराबरी कर लेगा, क्या बोलता है? हाँ सर ठीक है। दो इक्वेशन आ गई। हाँ, यहाँ पर बड़े इजिली सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, एक्स इक्वल टू 3y पुट कर दो वहां पे। ठीक है सर। सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? नहीं सर। चले नेक्स्ट की तरफ चले, ये आगे घर पे हो जाएगा ना? हाँ सर। ओके चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, देख भाई अब सप्लीमेंट्री एंगल की बात आ गई, क्या तेरे को मालूम है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? नहीं सर, भूल सर। भूल गया? हाँ, ये है सेकंड पार्ट है ना? हाँ सर। ठीक है मैं बता देता हूं, सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका सम होता है 180 डिग्री, एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। ये बात समझा बेटा? ठीक है सर। सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री है, जैसे मैं बोलूं एक एंगल है 40 और दूसरा है 140, बताइए सप्लीमेंट्री है कि नहीं है? है सर। है सर। मैं बोलूं एक है 30 दूसरा है 110, नहीं है सर। अब नहीं है भाई, सप्लीमेंट्री नहीं है। सप्लीमेंट्री होने के लिए भाई उनका सम होना चाहिए 180। तो भाई देख दो एंगल की बात कर रहा है, मान लेते लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड एंगल्स, ये बात ठीक है मेरे दोस्त? हाँ सर। तो एक बात तो श्योर है, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो प्लस करके क्या आएगा सर? 180 डिग्री। ये बात समझा? हाँ सर। दोनों एंगल को जब मैं प्लस करूंगा तो प्लस करके क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये बात भाई इसने कहीं अलग से लिखी नहीं है, ये जो इसने सप्लीमेंट्री शब्द बोल दिया ना, हाँ सर, ये सुनते ही मैं समझ गया कि दोनों को प्लस करूंगा तो 180 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। फिर इसने क्या बोला, जो लार्ज जो बड़ा नंबर है हाँ। वो क्या है, वो एक्सीड करता है किसको, स्मॉलर को, बाय 18 डिग्री से। जैसे तेरी उम्र है 16 साल, ठीक हाँ। है, और मेरी है 27 साल, हाँ। तो मैं जो हूं तुझको एक्सीड करता हूं बाय 11। हाँ सर। मैं तुझसे कितना अधिक हूं, ठीक है, वो होता है एक्सीड करना। ठीक है, तो देख
यहाँ पर भी वही बात है कि डिफरेंस वाली बात आ गई, बड़े में से छोटे को घटा लो तो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और वो डिफरेंस कितने का है? 18 का, सही बात है। तो मान लेते यहाँ पर भी कि x बड़ा है y छोटा है, ठीक है, ठीक है सर। बड़े में से छोटे को घटा लोगे तो डिफरेंस आ जाएगा भाई, पता। क्या ये दो ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे? हो जाएगा सर, समझ भाई पूछो बात। एलिमिनेशन मेथड बड़ा इजीली लग जाएगा, वाई से वाई कट रहा है, ठीक है बच्चों? हाँ सर। एक भाई ने आंसर भी निकाल दिया गलत, गलत 10 आ जाएगा, गजब भेजे थे, डिवाइड मार रहा है क्या? प्लस करेगा वाई से वाई कटेगा, 2x = 198 बनेगा। चलो भाई आ जाओ तीसरे पार्ट में। y81 और x99 आ रहा है क्या बेटा? y81 और x99 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ओके। तीसरा देखो भाई, तीसरा देखो क्या बोला गया है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bat and 6 ball फॉर 3800 रुपए। भाई 7 bat लिए, 7 bat लिए एंड 6 balls कितने रुपए में सर? 3800। फिर 3 bat and 5 ball 1750। 3 bat and 5 balls कितने की? 1750। अब इससे पूछा क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब हर एक बैट कितने रुपए का होगा और हर एक बॉल कितने रुपए की होगी, ये भी हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है सर। तो भाई मान लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ 1 bat and 1 ball बी रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई रिस्पेक्टिवली। हाँ सर। एक बैट एक्स रुपए का है तो 7 bat ले रहा है, 7x। हाँ सर। एक बॉल वाई रुपए की है तो 6 ball लेने वाला है, वाई 6y। अब भाई कुल मिला के तूने 7 bat लिए 6 ball लिए तो दोनों को मिला जोड़ देगा ना? हाँ सर। कितने रुपए पे करेगा? कोई टेंशन वाली बात? हाँ सर। क्या सर? 3x प्लस 5y 1750। कोई दिक्कत वाली बात है मेरे भाई? नहीं सर। इस पे लगा लेना जो दिल करे, ठीक है ना? ठीक है सर। चले आगे बढ़े। हाँ सर। परमिशन है? हाँ सर। फोर्थ पार्ट अभी ध्यान से समझना बेटा, ठीक है सर। ये लंबी वर्ड प्रॉब्लम आ गई अरे तुम। फोर्थ पार्ट कहते थे टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। सौरभ भाई। हाँ सर। हमारे गोलू भाई को जानता है? नहीं सर। अरे यार किसको जानता है फिर तू? गोलू को नहीं जानता तो? सर नाम सुने बस। महफिल की आन बान और शान है, जान हम सब की जान भी है हमारा गोलू पहलवान। चलिए ओके, ज्यादा तारीफ नहीं करनी भाई। कहते हैं कि सर मैं डाउन टू अर्थ बनना हूँ, ज्यादा तारीफ नहीं है ना, जमीन पे रहना पसंद करते हैं हम, ठीक है ना? तो भाई ने ना कहा कि मैं जमीन पे रहना पसंद करता हूँ, इसलिए भाई ने अपनी टैक्सी खोल ली बेटा, ठीक है जी। टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। अब टैक्सी जो है भाई की बहुत सुंदर सी है। कह रहे टैक्सी में तुम जैसे बैठ जाओगे ना
तो बैठने की मैं 100 रुपए ले लेता हूँ, ठीक है ना, समझ रहा भाई? मतलब टैक्सी हमारी ऐसी है भैया, तुम उसके अंदर ऐसे बैठ जाओगे ना तो 100 रुपए तुम तुरंत ले लेते हैं, तुमसे गिला भाई 100 रुपए, बैठने के अलग चार्जेस हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद जितना दूर जाओगे पर किलोमीटर का अलग से 10 रुपए पर किलोमीटर लूंगा भाई, ठीक है सर। 100 रुपए तो भाई का क्या, एकदम फिक्स्ड है, जो भाई ने लेना ही लेना है, ठीक फिर है। उसके बाद अलग से भाई 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है भाई, समझ रहा बात को? हाँ। अब मान ले भाई सौरभ, हाँ, तेरे को भैया अपने स्कूल जाना है अपने घर से, हाँ, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, हाँ, 20 किलोमीटर ये कितनी है, 32 है भाई, तो 32 कर लो भाई, कैसे था यार? ओके 32 है, 32 किलोमीटर है भाई। तो भाई ऐसा है ना, 100 रुपए तो बैठते ही दे दिए होंगे तूने, हाँ, अलग से बेटा हर किलोमीटर के 10 रुपए, तो 32 किलोमीटर जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 320 कुल मिला के कितना पे करेगा, 420 तो देख रहा भाई, गोलू भाई अपना पैसे भी 420 मांग रहा पूरे, समझ रहा है, ठीक है सर। तो भाई यही सीन इस क्वेश्चन में है यार, यहां पर क्या बोला गया है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड ₹105। जब तुमने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी ना, हाँ, कितने रुपए पे किए, 105, और जब तुमने 15 किलोमीटर की दूरी तय करी द चार्ज पेड इज 155। 15 किलोमीटर के कितने बेटा, 155। मेरे दोस्त यहां पर ऐसा है ना, तुमसे क्या पूछा गया है, कहता है, अरे जा भाई, कहता है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बताओ कितना पे करना पड़ेगा, ये हमसे पूछ लिया गया भाई, ठीक है दोस्त, ठीक है सर। एक भाई ने बोल दिया सीधा प्लस कर दो और आंसर आ जाएगा कितना, 260 रुपए। एक भाई ने बोला भाई ये चेक का आंसर है 260, गलत है, देख ले एक बार, गलत होगा आंसर क्योंकि फिक्स कराया, 2 बार प्लस हो जाएगा वरना, समझो बात को भाई, लेट कर लो, ठीक है। फिक्स किराया कितना मान लें यार, X रुपए जो गाड़ी में बैठते देना पड़ेगा, ठीक है सर। और पर किलोमीटर का चार्ज कितना मान लें, Y रुपए। अब देख भाई, जब तुम गाड़ी में बैठे 10 किलोमीटर के लिए तो गाड़ी में बैठते ही 1 रुपए प्रोवाइड कर दिए भाई, हाँ, प्लस 1 किलोमीटर के लग रहे थे ₹Y, 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 10Y, किसके बराबर आएगा सर, 105। नहीं समझे, हाँ सर, कम समझे थोड़ा, नहीं सर समझे ढंग से एकदम, हाँ सर, ओके बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ऐसी 15 किलोमीटर x प्लस 15y 155 रुपए, बता मेरे भाई, नहीं समझा, समझ गए सर, x और y निकल जाएगा बेटा इसको सॉल्व करके, हाँ सर, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं यार, ठीक है, x से कट जाएगा 10 से 15 के तो माइनस के 5y, y 10 आ रहा होगा, सही है, y 10 रख देंगे वहां, x कितना आ रहा है, 5, ठीक है भाई दोस्त, सौरभ, ठीक है सर, ये मैंने शॉर्टकट मार दिया बेटा, ठीक है, ठीक है सर, तुम तरीके से करना जरा, फिर नाउ 25 किलोमीटर के लिए बेटा भाई देख, x तो जो बैठते ही देना है, हाँ, और 25 किलोमीटर के हिसाब से बेटा x की वैल्यू कितनी है, 5, 255 रुपए आंसर आ गया,
कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर। इशिता सी चल रहा बेटा? यस सर। चले मैं गुरुआ के चले। मना कर दे ये बच्चे ना यार, इनके पढ़ने की इच्छा नहीं है। लो भाई मैं चाहता हूँ बेटा सौरभ आप क्वेश्चन को जोर से पढ़कर बेटा पूरी कक्षा को सुनाए। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. मेरे दोस्त ऐसा है ना, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अभी आया है और बाद में भी आएगा, ठीक है, और बार बार आएगा, आता रहेगा बेटा, ठीक है? ठीक है, आता रहेगा बच्चों, जब भी आएगा ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो एक्स बाय वाई है। लेट एक्स बाय वाई बी द फ्रैक्शन, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? नहीं सर। स्क्रीन पे ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही ना बच्चों समझने में? नहीं सर। ये फ्लिकरिंग प्रॉब्लम तो नहीं कर रही ना? नहीं सर, ब्लैक वाला में नहीं कर रही। क्या है? ब्लैक वाला में नहीं कर रहा। अच्छा ब्लैक वाले में कम कर रहा होगा, व्हाइट वाले में दिख रहा होगा बस तुम्हें यार। ओके तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया बच्चे, अ फ्रैक्शन बिकम 9 by 11 कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा बेटा न्यूमरेटर में भी 2 प्लस कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस कर दो तो ये क्या बन जाएगी सर? 9 by 11। 9 by 11 बता भाई, गलत कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? नहीं सर। फिर आगे एक बात और बोलता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5 by 6। भाई न्यूमरेटर में कितना जोड़ो सर? 3। और डिनोमिनेटर में 3 क्या बन जाएगी सर? 5 by 6। 5 by 6 करो। फाइंड द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन फाइंड करनी है, इट मीन्स मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। हाँ सर। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 11 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दें, 11 इंटू एक्स, 11 दो 22, 9 इंटू वाई, 9 इंटू 2, ऐसे 11x माइनस 9y, 18 से 22 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। बता भाई ये सही है? हाँ सर। 18 माइनस 22 माइनस 4, फिर वो राइट हैंड में 0 आ जाएगा, भेजेंगे भेज लो, ठीक है ना, हो जाएगा। मेन तो एक्स और वाई से मतलब रखना होता है, पर फिर भी कॉन्स्टेंट भी तो बाद में उस साइड भेजना ही पड़ेगा। 6x 6 × 3 = 18, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 5y 5 × 3 = 15, सही है भाई सौरभ? हाँ सर। 15 - 18, लो भाई ये हमारा आंसर आ गया, कर पाओगे आगे? हाँ सर। सही चल रहे हैं ना? हाँ। मतलब ये मेरे ख्याल से मैंने सही कर दिया कि पहले सारे मेथड सिखा दिए अब सारी वर्ड प्रॉब्लम हो जाएंगी है? हाँ सर। ये मेरे ख्याल ये अच्छा काम किया मैंने यार, थैंक यू सो मच बच्चों हरीश के लिए। चलो भाई चल रहे आगे चल रहे हैं। ओके ओ भाई एज वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ओहो एज वाला क्वेश्चन आ गया भाई दोस्त। सर भाई तैयार है? हाँ सर। डरना नहीं है मेरा भाई, ठीक है ना? ठीक है सर। रुके ना तू झुके ना तू, क्वेश्चन हमारे सामने, करे 5 year hence the age of Jacob will be 3 times of his son. कब? 5 साल के बाद जो जैकब की एज है वो क्या हो जाएगी सर? अपना वो बेटा उसके बेटे की एज से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। करे 5 year ago Jacob's age was 7 times of his son, और आज से 5 साल पहले जैकब की एज
उसके बेटे की एज के सात गुना थी। बताओ उनकी आज की एज क्या होगी। एक काम करते हैं, ये है फटाफट, लेट एक्स एंड वाई बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स एंड हिज सन रिस्पेक्टिवली। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहां पे दो केस बन रहे हैं बेटा। एक है केस वन जो फाइव ईयर हेंस की बात कर रहा है, ठीक है सर, और एक है केस टू जो फाइव ईयर एगो की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर। बेटा पांच साल के बाद क्या होगा बच्चों, फाइव ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी थ्री टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकब जो होगा वो तीन गुना होगा उसके सन का, सही बात है। हाँ सर। अब क्या जैकब की जगह मुझे यहाँ पे एक्स लिख देना चाहिए और सन की जगह वाई लिख देना चाहिए, क्या ये सही है बच्चों? हाँ सर। गलत है बेटा। क्यों बेटा? ये गलत बात है बेटा बहुत। तो क्यों क्यों पूछ रहा है? फाइव ऐड होगा भाई, ये पांच साल बाद की एज है ना बेटा। हाँ सर। एक्स में फाइव कौन प्लस करेगा बेटा? नहीं समझा मेरे भाई? हाँ सर समझ गए। ढंग से नहीं समझा तू? समझ गया सर। अब मुर्गा बनाना पड़ेगा तेरे को। समझ गया सर। और पांच साल पहले का क्या सीन है? जैकब एज वॉज सेवन टाइम्स ऑफ हिज सन। जो जैकब था वो सेवन टाइम्स था अपने सन का। तो यहां पर तो वही सीधा ऐसे एक्स इक्वल टू सेवन वाई लिख के आ जाएगा बेटा। तो गड़बड़ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर। x माइनस फाइव करना पड़ेगा। समझे मेरे बच्चों? हाँ सर। अब इसको लिख लो यार, x प्लस फाइव इक्वल टू थ्री वाई, एक्स माइनस थ्री वाई, पंद्रह माइनस पांच, एक्स माइनस फाइव, सेवन वाई माइनस का थर्टी फाइव, एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस पांच आ जाएगा, प्लस का पांच बनेगा। हाँ सर। बोलो बेटा समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हाँ सर। इनको सॉल्व कर लोगे? हाँ सर। इश्ता क्लियर है बेटा? यस सर। चलो भाई। सौरभ भाई। हाँ सर। पहला क्वेश्चन। ठीक है सर। क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज कौन सी है? 3.4। अब उसने पहले पढ़ रखा है। ये बात तो दोनों में क्या है? तो ये तो गधे हैं एक नंबर के, क्या करें बताओ। चलिए सौरभ भाई, देख देख रहा भाई? हाँ सर। क्या देख रहा है सर? बोर्ड देख रहे। अरे क्वेश्चन देख आगे। हाँ सर वो क्वेश्चन ही देख रहे। फ्रैक्शन की बात करने लग गया है फिर से? हाँ सर। यार ये छोटा हो गया, माउस रखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन। बेटा फिर से फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर। लेट एक्स बाय वाई बी द फ्रैक्शन। मान लेते हैं ये फ्रैक्शन है, तो केस वन करें क्या करो? इफ We add one to the numerator and subtract one from the denominator. Numerator में one plus करो, denominator से one minus करो, तो क्या होगा? The fraction reduces to one. ये one बन जाएगी भाई। ठीक है। फिर case two में क्या है? It becomes one by two. Fraction जो है वो क्या बन जाएगी?
1/2 वो भी कब? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. करंट न्यूमरेटर के साथ कुछ मत करो. हाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो. ठीक है भाई सौरभ? ठीक है सर. क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस 1 इंटू 1. y को लेफ्ट में ले आओ, 1 राइट में आ जाएगा. ओ भाई यहां पर अब क्या है, 2x y प्लस 1. ये सही है बच्चों? हाँ सर. पहली क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हमारे पास आ चुकी हैं. आई थिंक सॉल्व आप इसको घर पे खुद से कर सकते हैं. हाँ सर. चलिए नूरी वाले क्वेश्चन ट्राई करोगे खुद से? ठीक है सर. सेकंड पार्ट जल्दी से इसकी क्वेश्चन बनाओ. क्वेश्चन आपके सामने सेकंड पार्ट. ठीक है. हाँ भैया. सर फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 होगी और सेकंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10. अबे सही है कुणाल, फिर से बोलो एक बार. सर फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और सेकंड इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10. सही है बेटा. चलिए देखिएगा सौरभ भाई. सौरभ? हाँ सर. 5 years ago, 5 साल पहले क्या हुआ बेटा? नूरी वॉज थ्राइस ऑफ सोनू. नूरी बड़ी है सोनू छोटा है. ये प्रेजेंट एज है भाई इनकी. ठीक है सर. अब देख केस 1, पहले 5 साल पहले की बात करते हैं. नूरी क्या थी? राइस छोटी सर, बड़ी थी. बड़ी हाँ, 3 गुनी थी सोनू की. ठीक है सर. तो x माइनस 5 या फिर y माइनस 5, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर. ये माइनस 5 राइट में जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 5. ठीक है दोस्त? हाँ सर. फिर क्या बोला गया? करें कि 10 years later, 10 साल बाद नूरी will be twice of सोनू. ये 10 साल बाद की है बेटा बात. ठीक है सर. नूरी क्या हो जाएगी? Twice of सोनू. नूरी यानी x plus 10, सोनू यानी y plus 10. ध्यान दे रहा हूँ ना तुम्हारा. समझ गए? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर. पक्का? हाँ सर. ले लो मन में कोई बात हो बेटा तो बोल सकते हो. नहीं सर. बड़े आगे तेरे बड़े? हाँ सर. कितने क्वेश्चन कर लिए हमने आज? अरे 8-9 क्वेश्चन हो गए शायद. 9 ना? 9. एक और करते हैं यार. थर्ड नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी करेंगे फोर्थ. ठीक है सर. चलो थर्ड फोर्थ भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी करेंगे फिफ्थ. मेरे दोस्त. हाँ सर. हाँ सर. अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज
फॉर ईच डे देयर आफ्टर। पर वही लाइब्रेरी है, उधारी पे बेटा किताबें दे देती कि घर में पढ़ाई कर लेना। ठीक है सर। बट फ्री में नहीं देंगे भाई, ठीक है ना? ठीक है। फ्री में बेटा दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है सर। जो फ्री में दे रहा है ना, समझ लो कुछ ले जरूर रहा है बेटा तुमसे। ठीक है सर। ठीक है। हाँ तो बेटा लाइब्रेरी है और किताबें दी जा रही है, लेकिन लाइब्रेरी का एक सिस्टम है भाई। सिस्टम क्या है कि ये फिफ्थ पार्ट है कि तुम अगर हमारी लाइब्रेरी से किताब ले जाओगे ना, हाँ, तो पहले 3 दिन का फिक्स किराया जो तुम्हें देना ही देना है। ठीक है सर। जैसे उसकी गाड़ी का जो टैक्सी का जो किराया था, क्या था किताब, तुम चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओगे चलो ही मत, बैठने का ही किराया लेंगे भाई। ठीक है सर। 100 रुपए बैठने के तुरंत। बट यहाँ पर सीन ऐसा नहीं है, बैठ यहाँ पे किताब देखने का नहीं किराया, कह रहा तुम ले जाओ अपने घर पे, पर चाहे 1 दिन रखो या 2 दिन रखो, पहले 3 दिन के तुमसे हम पूरे पैसे लेंगे भाई। ठीक है सर। समझ पा रहे हैं? हाँ, हाँ जैसे मान ले किसी ने 5 दिन तक अपने पास किताब रखी, हाँ, तो 3 दिन का अलग किराया जो फिक्स है। हाँ। कोई अगर उसके बाद एक्स्ट्रा और ले जा रहा है तो उसका एक अलग किराया है। ठीक जैसे है। मैं बोलता हूँ कि हमारे गोलू भाई की टैक्सी बेटा होगी फेल, हाँ, ठीक है, काम नहीं चला। अब भाई ने लाइब्रेरी खोल दी, अब भाई बोल देता है कि पहले 3 डेज का जो किराया है ना वो 100 रुपए है भाई। ठीक है। कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए कह रहा उसके बाद पर डे का, उसके बाद पर डे का हम 10 रुपए लेंगे तुमसे। ठीक है सर। अब मान ले किसी ने 10 दिन तक किताब रखी, हाँ, 10 दिन तक, तो 10 डेज की अगर बात करें तो पहले 3 दिन के कितने दिए होंगे? 100 रुपए। 100 रुपए और अभी भी 7 दिन और एक्स्ट्रा रखी ना उसने, हाँ सर, तो 10 रुपए के हिसाब से 70 रुपए देगा। हाँ सर। 170। समझ पा रहा बात को? हाँ सर। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसी सीन है बेटा। ठीक है सर। देखते हैं गोलू भाई का लाइब्रेरी का काम चलता है कि नहीं चलता है। फिर चाय की दुकान खोलेगा क्या है? फिर हम फिर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। भाई और बहनों चाय बेच के हम प्रधानमंत्री बन गए, बोले बने हैं कि नहीं बने हैं। चलिए, कहता भाई सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन तक किताब रखी, 7 डेज तक बेटा बुक को रखा और कितना पे किया? 27 रुपए। फिर क्या बोलते हैं, सूजी पेड 21 और बुक कैप्ट फॉर 5 डेज। 5 दिन के लिए बेटा कितना? 21 पे किया। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स्ड चार्ज कितना मान ले बेटा? सर एक्स। और एक्स्ट्रा चार्ज कितना मान ले? वाई। पर डे चार्ज। हाँ हाँ सर। बता भाई किसी ने किताब को 7 दिन तक रखा है तो पहले 3 दिन के 100 रुपए दिए होंगे, हाँ, और अगले 4 दिन के 2 रुपए के हिसाब से। ये बात समझा दोस्त? हाँ सर। किसी ने 5 दिन तक किताब को रखा तो पहले 3 दिन के एक्स दिए होंगे और 4th दिन और 5वें दिन 2 दिन एक्स्ट्रा रखी पड़े किताब उसने, हाँ, तो एक्स प्लस 2y 21। बता मेरे दोस्त, कोई टेंशन वाली बात है? नहीं सर। तो बच्चों आज इतना पढ़ाई, सभी क्वेश्चन को बड़ा घर पे ना मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चंस तो मैंने बनवाई हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। ये तुमने नहीं किया है, ये मैंने किया है, ओके? घर पे तुमने ये सभी क्वेश्चन दोबारा से ये क्वेश्चन खुद बनानी है। ठीक है सर। समझ पा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ सर। लो बेटा, हमने लास्ट क्लास में हमने आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था ना, फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, हाँ सर, फिफ्थ भी हो गया था। ये मीना, हाँ, वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था यार। हाँ सर, नहीं हुआ था। तो मीना वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा फिर। ठीक है। फोर्थ पार्ट बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चौथा पार्ट सुंदर सुंदर सा लिखा होगा बेटा, बहुत साफ साफ आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़िए बेटा ध्यान से। कहता है कि
ज्यादा समझेगा बेटा, बुक में क्वेश्चन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर्ष देख रहे यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, बोला गया मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000, 2000 रुपए निकालने के लिए बेटा मीना बैंक चली जाती है, ठीक है सर। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली, भैया सिर्फ 50 रुपए के नोट देना और सिर्फ 100 रुपए के नोट देना, सही बात है। शी गॉट 25 नोट, बेटा कुल मिला के 50 वाले भी और 100 वाले भी, सभी नोटों को जब मैं जोड़ दूंगा बेटा तो जोड़ कर मुझे कितना मिलेगा, 25 नोट्स मेरे हाथ में है भाई, उसमें तो कुछ 50 वाले भी होंगे, कुछ 25 वाले भी, कुछ 100 वाले भी होंगे। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड, बताओ इसमें अब 50 रुपए के कितने नोट्स रहे होंगे और 100 रुपए वाले कितने नोट्स रहे होंगे बेटा, ये हमसे अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शुरुआत कर दी जाए मेरे दोस्तों, देखे ये एक्सरसाइज 3.4 की बात हो रही है बेटा, और एक क्वेश्चन 2 का कौन सा पार्ट है, 4 पार्ट क्वेश्चन 2 का ही है ना। हाँ सर, ठीक है, क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट। मीना नाम की कन्या है, बैंक जाती है बेटा, उसको कुछ 50 रुपए वाले नोट भी चाहिए, कुछ उसको 100 रुपए वाले नोट भी चाहिए। 50 रुपए वाले पता नहीं कितने नोट है, मान लेते हैं एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। 100 रुपए वाले बेटा मान लेते हैं वाई नोट्स, कोई टेंशन वाली बात है नहीं सर। अब देखिए बेटा मेरे को एक बात बता, इसकी संख्या और उसकी संख्या दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगा तो प्लस करके कितना आएगा, 25। कितने, 25। कितना सारा जोर से बोलियो सर, 25। हमारा जो कुणाल भाई है वो कह रहा है 2000, अब 2000 कैसे ये हम भाई को समझाना चाहेंगे। मेरे दोस्त बैंक गया, तो कहाँ गया, बैंक। सौरभ तेरे को नहीं समझा रहा मैं, ठीक है, तेरे को नहीं समझा रहा हूँ, मैं अपने भाई कुणाल को समझा रहा हूँ, समझने की जरूरत भाई को है अभी। 50 रुपए वाले ना भाई मेरे को मिल जाते हैं 10 नोट, कितने मिल जाते हैं, और 100 रुपए वाले मेरे को मिल जाते हैं, 100 रुपए वाले मेरे को मिल जाते हैं 15 नोट, मतलब मेरे हाथ में कुल मिला के कितने नोट आ गए हैं, 25। तो तू तो एक्स में वाई जोड़ के बड़ा कितना बना दे रहा, सीधा 2000 बना दे रहा है, ये गड़बड़ है, समझ रहा है ना, ये रॉन्ग नंबर हो गया बेटा, फिर ऐसे नहीं करना। हम ये जो एक्स है वो ये बता रहा है कि 50 रुपए के कितने नोट है मेरे हाथ में, ठीक है, वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो, तो मैंने ऐसे नंबर लिया है बस, ठीक है। और भाई सही है, और भाई सही है, हो गया 22 हो गया यार, फैन ऑफ करो यार, इसके आधा छोड़ दो, इसका सबसे पहला वाला बटन ऑफ करो बेटा, इसका ऑन कर दे, इसको भी ऑन कर दे, इसको भी, उसको भी ऑन कर दे, हाँ तो कुछ अंधेरा सा था। ओके तो सौरभ भाई, हाँ सर, अब देख 50 रुपए का एक नोट अगर होगा तो तेरे पास 50 रुपए होंगे, हाँ। 50 रुपए के दो नोट होंगे तो कितने रुपए हो गए, 100 रुपए। मेरे पास 50 रुपए के कितने नोट है, एक। तो 50 की मल्टीप्लाई कितने से हो जानी चाहिए, एक। 100 रुपए का एक नोट होगा तो 100 रुपए, हाँ। 100 रुपए के 10 नोट होंगे तो 1000, 1000 रुपए, तो 100 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी ना, ऐसे ही 100 रुपए के वाई नोट है तो कितने हो गए, 100 वाई। अब देख बैंक वाले ने 50 रुपए के इतने नोट दिए और 100 रुपए के उतने नोट दिए, दोनों को जोड़ दूं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई वो जो कन्या है वो 2000 रुपए लेकर घर गई होगी, हाँ सर। पता कैसे चल गया कि 2000 रुपए पता है ना, शी वेंट टू विथड्रॉ 2000 रुपीस, क्वेश्चन ने बोला भाई कि उसने 2000 रुपए निकाले भाई, ठीक है दोस्त, ठीक है सर। तो भाई अब बता मेरे को क्या ये क्वेश्चन घर में हो नहीं सकता, क्या हम इन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर,
हो जाएगा ना बच्चों, किसके मन में कोई शंका तो बोल सकते हैं भाई, नो शंका, ठीक है। चलते हैं अब एक सुंदर क्वेश्चन की तरफ, एक बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ अब हम चलेंगे बेटा, ठीक है सर। बॉस मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 3 को जोर से पढ़ें बेटा। सौरभ, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर, टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ओके, किसी दो अंकों की संख्या की बात कर रहा है बेटा, है दोस्त? हाँ सर। किसी टू डिजिट नंबर की बात कर रहा है, टू डिजिट नंबर समझता है ना क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है बताइए फिर सर? 1 और 9। 1 9। हाँ। 7 2। हाँ। 0 6। हाँ सही है। ओए सौरभ, ये टू डिजिट नंबर है कि नहीं है? है सर। तब तो ये 3 डिजिट हो जाएगा। अबे सौरभ, हाँ सर। ले भाई इसको 4 डिजिट नंबर बना दिया मैंने। हाँ सर। बता कितने डिजिट नंबर बनाऊं? 6 को तो ऐसे में कितने भी डिजिट का नंबर बना सकता हूं भाई, ये एक 1 डिजिट नंबर है, ओनली 1 ही डिजिट है ओनली यार, ठीक है? ठीक है सर। समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? उस साइड 0 नहीं आना चाहिए कभी। ठीक है सर। ठीक है दोस्तों, अब मैं यार एक चीज मेरे को थोड़ी आती नहीं भाई, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे कोई नंबर होता है, जैसे मैं लिखता हूं 3 4 1 6, तो हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, फिर ऐसी 10,000, हिंदी में क्या बोलते हैं? यूनिट। सही है ना? यूनिट प्लेस। इसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों पढ़ने के? इसको क्या नाम देते हैं यार इंग्लिश में? इसको क्या बोला जाता है सर? टेंस प्लेस। टेंस प्लेस, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes. जल्दी बेटा जल्दी विराजो, आई इसको ट्राइपॉड में चलाइए वरना बहुत मारूंगा। हाँ अब भाई टेंस, फिर ये 100। हाँ सर। 1000 ऐसे चलता रहता दोस्त? हाँ सर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है ना? तो दोस्त सौरभ भाई ऐसा होता है ना, जब भी कभी किसी टू डिजिट नंबर की बात करते हैं ना, तो एक सिंपल सा रूल है, एक रूल है, जो यूनिट प्लेस होगा उसकी मल्टीप्लाई 1 से करनी है, ठीक है, प्लस टेंस प्लेस की मल्टीप्लाई 10 से करनी है। जैसे यहां पर यूनिट प्लेस में क्या है? 9। 9 में प्लस करेगा, अब 9 में 9 की मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, उसमें प्लस करेगा 1 into 10। चेक कर 19 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ऐसे मैं बोलूं 72 कैसे आया, तो बोल देंगे 2 into plus में 7 into 10। अगर यही एक 3 डिजिट नंबर होता बेटा, एक 3 डिजिट नंबर होता, जैसे मैं लेता हूं 238, तो जो यूनिट प्लेस है उसकी मल्टीप्लाई 1 से प्लस सेकंड नंबर पे क्या 3 है ना, 3 की मल्टीप्लाई 10 से, फिर 2 है बेटा, तो 2 की मल्टीप्लाई 100 से, चेक कर 238 बन जाएगा। मानता कि नहीं मानता है? मानता है सर। मानता है ना? अब अगर मैं तेरे से बोलूं कि एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस x है, यूनिट डिजिट x है, और जो तेरी टेंथ डिजिट है ना वो वाई है, तो मैं तेरे से पूछूं कि वो नंबर क्या होगा, तो बच्चे जो एक गलती करते हैं ना, क्या बोल देते हैं कि लो सर हमारा तो टेंथ प्लेस, क्योंकि यूनिट प्लेस x है और टेंथ प्लेस y है, हमारा नंबर yx हो जाएगा। जैसे 72 है, यूनिट 2 है, टेंथ 7 है, तो बच्चे 72 लिखते हैं ना, तो बालक क्या मिस्टेक कर देते, नंबर को छूटते क्या बोल देते हैं yx, तो बताइए गलत है कि नहीं है? गलत है सर। गलत क्यों है बेटा? क्योंकि यहां पर yx का मतलब y की मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, है ना? तो इसलिए जैसे हमने इन दो डिजिट को एक नंबर में कन्वर्ट किया,
इस तरह से उन वेरिएबल को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे यार। तो उसके लिए बेटा हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज किया करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या है x, उस पे प्लस कर देंगे y का 10 टाइम्स। ठीक है, बात हाँ यही तो मैंने किया, जैसे 2 में प्लस कर दिया 7 का 10 टाइम्स, कोई दिक्कत यही है। 3 डिजिट होती बेटा, तो फिर यूनिट की मल्टीप्लाई 1 से, टेंस की मल्टीप्लाई 10 से, और जो 100 नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे जो है बेटा उसकी मल्टीप्लाई 100 से। ये किसी भी नंबर के लिए रूल है बेटा फिर ये, ठीक है ना, ये डेसिमल सिस्टम होता है हमारा। ठीक है दोस्त। हाँ सर। अब देख इसी आधार पर बेटा अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये बताइए स्क्रीन पे बेटा सब क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बच्चों, दिखी नहीं क्या बात कर रहा है, मेरी चप्पल लेके आई एक बार बेटा यार, मैंने चप्पल से मारूंगा यार, उसका एक अलग फील होता है ना बेटा। देव बहुत मार खाएगा तो मेरे से यहाँ क्या है यार। सौरभ भाई। हाँ सर। मतलब बहुत टाइम से हमें देखा नहीं होगा कि कोई बच्चा मुर्गा बना है ना। हाँ, तो देखना चाहते हो बेटा? दिखाइए सर। देखो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, ऑनलाइन डिमांड, ऑनलाइन डिमांड आ रही है भाई, ठीक है ना, बच्चे बोल रहे हैं तो भाई डिमांड पूरी करेंगे। तो देव भाई कैमरा बस मैं नीचे कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस ट्राइपॉड घुमाना है इधर को बस, कोई बात नहीं। ये तो इस वीडियो पे बहुत व्यूज आएंगे, पढ़ाई लिखाई वाले वीडियो पे व्यूज नहीं आते भाई, ठीक है ना, इन पे ही तो व्यूज आते हैं ज्यादा, समझ रहे कि ऑनलाइन बनाया मुर्गा, ठीक है ना, मुर्गा बनाने की रेसिपी, क्या दिक्कत है उसमें। चलो भाई तो देखिए बेटा क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर वही सेकंड का थर्ड पार्ट, कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। कोई दो अंकों की संख्या है मेरे दोस्त सौरभ भाई, कोई दो अंकों की संख्या है, ठीक है, ठीक है सर। हाँ। ये कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोला, ये कोई दो अंकों की संख्या, टू डिजिट नंबर है, तो सोच यहाँ पर यूनिट डिजिट भी होगी, टेंस डिजिट भी होगी। हाँ। यूनिट डिजिट मैंने मान ली x, और टेंस डिजिट बेटा मैंने क्या मान ली y। मेरे दोस्त इतना जानकर तू एक बात तो समझ चुका है कि तेरा जो नंबर होगा ना उसको वाई एक्स मत लिख दियो भाई, वरना मारूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ठीक है सर। x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, y की मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो देखिए क्या बन जाएगा, x प्लस में 10y, सही बात है। हाँ, ये तो मेरा ओरिजिनल नंबर ही है बेटा, ओरिजिनल नंबर यही है भाई, जो भी नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, जो उसकी जो दो डिजिट है ना x और y, यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट, इन दोनों का जो सम है, दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो दिस इज इक्वल टू 9। बोल मेरे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं सर, पक्का? हाँ। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब क्या बोलते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, क्या बोलते हैं, ये जो नंबर है हाँ, इस नंबर का कितना नाइन टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इसी नंबर का 9 times, 9 गुना क्या है बेटा, ट्वाइस है, दुगना है, किसका दुगना है भाई, ये 9 times जो है इस नंबर का 9 times वो दुगना है, किसका दुगना है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि अगर नंबर्स को रिवर्स कर दिया जाए, नंबर्स को रिवर्स करने का मतलब जो यूनिट है उसको टेंस बना दो, जो टेंस है उसको यूनिट बना दो, यानी कि जो तेरा नंबर था x प्लस 10y, रिवर्स करने पर बेटा वो x प्लस 10y नहीं रहेगा, y प्लस 10x हो जाएगा। अब भाई दोबारा देखो, देखिए पढ़ने का माइक ऑन रखना बेटा, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन में बोला है हमें कि कोई दो अंकों की संख्या है, कोई टू डिजिट नंबर है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, उस टू डिजिट नंबर में जो दो डिजिट है ना, उन दोनों डिजिट का जो सम है वो किसके इक्वल है, 9, वो 9 के इक्वल है। तो बेटा सबसे पहला काम जो मैंने क्या किया, मैंने यूनिट प्लेस x मान लिया, टेंस प्लेस y मान लिया, तो मेरा नंबर क्या बन गया, x प्लस 10y, मानती हो? यस सर। अच्छा एक बात बताइए जरा, इफ
digits are reversed. Digits are reversed. तो एक न्यू नंबर मिलेगा आपको. Yes sir. जैसे 81 को रिवर्स कर दो तो वो 18 बन जाएगा. Yes sir. 82 को रिवर्स कर दो तो 28 बन जाएगा. तो x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिख दो. तो जो नया नंबर है बेटा आपका, अब y की मल्टीप्लाई 1 से होगी और x की मल्टीप्लाई 10 से होगी. तो जो नया नंबर मिलेगा बेटा वो क्या बनेगा, y प्लस 10x. इस बात को मानती हो? Yes sir. तो देख क्वेश्चन में एक बात बोली कि जो तो डिजिट है वो डिजिट का सम कितना है, वो 9 है. ये बात ठीक है? Yes sir. फिर कहता है कि also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order. यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है, दिस ओरिजिनल नंबर, इसका 9 टाइम्स अगर कर दिया जाए तो सॉल्व करके जो नई चीज आएगी हमारे पास वो ट्वाइस होगी. किसकी ट्वाइस होगी? डिजिट का ऑर्डर जो है वो रिवर्स करने पर जो नंबर हमें मिलेगा उसका ट्वाइस. ये बात समझे बेटा? यस सर. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. सर ये x plus y equals to 9 कहां से आया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ना बेटा कि जो सम ऑफ द डिजिट है वो 9 है. सर तो हम उसे x plus 10y नहीं लिखेंगे? अच्छा x plus 10y क्यों लिखोगे बेटा? जैसे मैं आपसे कहता हूँ 63 है, यूनिट डिजिट क्या है? 3. टेंथ डिजिट क्या है? 6. Yes, तो इस 6 को और इस 3 को प्लस करके 9 आ रहा है ना बेटा. ओके सर. अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 समथिंग कुछ हो जाएगा यार, वो तो अलग ही बन जाएगा. समझ आ रही बात? यस सर. अब भाई इसको सिंपलीफाई करो, ये क्या बनेगा यार? 9x 90y 2y 20x. 9x से माइनस कर लो 20x, राइट में क्या है? 2y माइनस 90y. तो 9 माइनस 20 विल बी माइनस 11x माइनस 88y. 11 से 88 कट रहा है यार, x इक्वल टू 8y आ गया. ये बात ठीक है बच्चों? यस सर. ये 1 है, ये 2 है. इन दोनों को सॉल्व करो भाई, और सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा आपका. बताओ ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये x को 8y है, उस 8y को यहाँ पुट कर लो, आ गया 8y plus y 9y, 9y equal to 9y की वैल्यू 1 आ गई. y 1 तो x 8 हो गया, y 1 तो x 8 हो गया. ये नंबर क्या रहा होगा? 18. y 1 और x 8 दिन हो गया. ठीक है बच्चों? सर भाई समझे मैंने क्या किया अभी? हाँ सर. पक्का? हाँ सर. चले आगे? हाँ. ये साथ साथ नोट कर रहे हो? नहीं सर. किसी के मन में कोई शंका हो बेटा इस क्वेश्चन को लेकर पूछ सकते हैं अभी भी. आपको मौका दिया जा रहा है बेटा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा. ओके सर. हाँ बोलिए, पढ़ने का बोलिए बेटा. सर एक बार जो आपने ये 9x plus 10y equals to 2y plus 10x देखा, उसका स्टेप एक बार समझा दीजिए. क्वेश्चन को पढ़ो बेटा एक बार, आपकी बुक है ना आपके पास? यस सर. बुक में देखो एक लाइन लिखी हुई है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर. कौन सा नंबर? जो ओरिजिनल नंबर है x plus 10y, राइट? उस नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. यही है ना? यस सर. समझ में आया कुछ? क्या अंग्रेजी एकदम जैसे लिखी बड़ा वैसे वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे. ओके सर. ओके. 9 टाइम्स 9 गुना करना किसका? ओरिजिनल नंबर का. तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? दुगुना मिलेगा. किस चीज का दुगुना मिलेगा? उस नंबर का दुगुना, मतलब इनको रिवर्स करने से जो नई डिजिट नया नंबर हमें मिल रहा होगा यार. चले आगे बढ़े दोस्तों फिर. तो गाइस ये एक्सरसाइज तो ओवर ओवर. चले आगे फिर. सब हो गया है, क्लास में ध्यान ही नहीं रहता इस गधे का. तो इसको ढंग से कूट देना चाहिए, इसके ना पापा को बुलाना चाहिए एक बार, इसके पापा ढंग से इसको कूटेंगे. ऐसे बच्चों का इलाज ना हम नहीं कर सकते हैं, ये मम्मी पापा ही कर सकते हैं. पापा बेटा है ना. चलिए
ओके बच्चों भाई अच्छा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर टू बात कर रहे हैं बेटा 3.5 की, 3.5 की हम बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y 7 के इक्वल है, 2x प्लस 3y जो है वो 7 के इक्वल है, फिर क्या है a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई इक्वल टू क्या है 3a plus b minus 2 क्या बोलता है बेटा, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यूज पूछी गई है, डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बच्चों सॉल्यूशंस कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए बड़े कंडीशन दिया फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, वो कंडीशन याद है किसी को, कुछ ऐसा था ना कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये रेशियो सेम होना चाहिए, सही बात है, यस सर। तो बच्चों देखो यानी कि इस 2 के अपॉन में क्या आना चाहिए, कहने से a माइनस b, अब भाई सौरभ सही है, हाँ सर, ऐसे इक्वल टू y के साथ 3 है ना, 3 के अपॉन में क्या आना चाहिए a प्लस b, सही है दोस्त, हाँ सर, राइट साइड में वहां 7 है, राइट साइड में यहाँ पे 3a प्लस b माइनस 2 है, ये बात ठीक है मेरे दोस्त, हाँ सर, हालांकि 7 को जब तू लेफ्ट में लाएगा तो माइनस का 7 बनेगा, और इसको भी जब तू लेफ्ट में लाएगा तो बाहर माइनस लगेगा ना, बट तो माइनस का माइनस तो कट जाएंगे यार, ठीक है क्या लगा भी देता हूँ, वो कैंसिल हो गया भाई हमारे। तो भाई अब ऐसा है ना, इस चीज को बेटा हम लोगों ने सॉल्व करना है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमको अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे भाई वो तुम्हारा भाई बताएगा, ठीक है ना, निश्चिंत रहना बेटा उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं, तुम अपने बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, भोले बच्चे हो, न्यारे बच्चे हो, तो क्या हो गया हटेगा, ऐसी क्या बात है, सबसे पहले नालायक देखो फुल स्क्रीन कर रहे थे हम, ठीक है ना, अभी चीज हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, डेली हमको कुछ नई चीज पता चल रही है, हाँ ऐसा भी होता है इसमें, ओके सब क्या करें यार इसमें, ये वाला बताएगा वो तो कुछ भी करवा ले बेटा, अब भाई पढ़ने का, यस सर, मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लेता हूं, ये सही है, यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 2b 3a 3 की मल्टीप्लाई b से भी करोगे, ये सही है, यस सर, 2b उस 3b इस 2b के साथ इस 3b को रखो, 3b लेफ्ट में आएगा तो 2b प्लस 3b क्या बन जाएगा 5b, और 3a से माइनस कर लो 2a ओनली क्या बचेगा a, कोई दिक्कत वाली बात है, excuse me sir, बोलिए बेटा सर, हम इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 में से अगर a b और c के वैल्यू निकाल के इसमें डाल दे तो सर मतलब कि जैसे a1 सर अगर हम लोग जैसे a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 जैसे ये वाला है, ठीक है, अगर हम 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 में a इक्वल्स टू 2 होगा, b इक्वल्स टू 3 होगा और c इक्वल्स टू 7 होगा, तो अगर हम लोग 2 अपॉन a माइनस b की जगह 2 अपॉन 2 माइनस 3 लिखे तो लिख सकते हैं सर, ये 2 माइनस 3 कहां से, ये a और b की वैल्यू आपने 2 और 3 कैसे बोल दी बेटा, तो एक इक्वेशन होती है एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, हो सकता है वो उसने एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकाल, एक्स और वाई की वैल्यू 2 3 बोल दी, वो कैसे बोल दिया,
बेटा क्या पंडिका आपने कुछ गलती कर दी है बेटा, आपने देखो ऐसा होता है ना, कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जरूरी नहीं इस फॉर्म में हो, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एबीसी ना ऑलरेडी यूज हो रखे हैं, ठीक है। तो मैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इस तरह से लिखो तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नो सर। तो मेरे बच्चे ऐसा है ना, ये ए वन बी वन और सी वन है बेटा, ऐसे ही ए टू बी टू और सी टू होना चाहिए। तो ये चीज बेटा मैंने लिखी है ना, ये मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये भी क्या होना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ कैपिटल ए वन के अपॉन में क्या होना चाहिए, कैपिटल ए टू। समझ में आ रही बात? यस सर। तो ए वन बी वन सी वन क्या हो गया, टू थ्री एंड माइनस सेवन, राइट। और ऐसी ए टू बी टू सी टू क्या है बेटा, स्मॉल ए माइनस बी स्मॉल ए प्लस बी और ऐसी माइनस में थ्री ए प्लस बी माइनस टू। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, यस सर, ओके है ना। हाँ हाँ, पहले वो थोड़ा सेम सेम हो गया ना, उसकी कंफ्यूजन हो गई थी यहाँ पे। चलिए तो बेटा देखो पंडिका, मैंने अब इसको और इसको इक्वेट कर दिया, पहले दो जो रेशियोज थे प्रोपोर्शन को इक्वेट करके बेटा ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब ऐसी एक इक्वेशन बेटा और मिल जाए तो मजा आ जाएगा फिर, है ना। तो मजा बेटा ले लेते हैं फटाफट से। देखिए मैं इसको उसके को लग देता हूँ, थ्री के अपॉन में क्या है ए प्लस बी इक्वल टू में क्या चल रहा है, सेवन के अपॉन में थ्री ए प्लस बी माइनस टू, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, थ्री इंटू थ्री ए नाइन ए प्लस थ्री बी माइनस सिक्स, राइट साइड में सेवन ए प्लस सेवन बी, ठीक है। ओए गले, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तीन के मल्टीप्लाई तीनों से, सेवन ए प्लस सेवन बी, ठीक है। नाइन ए माइनस सेवन ए टू ए, थ्री बी माइनस सेवन बी माइनस फोर बी, सिक्स को राइट में भेज दूं तो क्या आ जाएगा, सिक्स। पढ़ने का सही है? यस सर। अब देखिए पूरी क्वेश्चन दोनों साइड अगर मैं टू से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा ए माइनस टू बी इक्वल टू में थ्री, ये ठीक है। यस सर। और ए की वैल्यू क्या निकली बेटा हमारे पास सर, फाइव बी, क्योंकि a माइनस टू बी थ्री के इक्वल है और a की वैल्यू है 5b, तो a की जगह पर बेटा मैं 5b रख देता हूं। आप क्लियरली यहां पे देख सकती हैं 5b माइनस 2b ये 3b बन जाएगा और हमारे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, b की वैल्यू 1 आ गई। b अगर हमारा 1 आ जाता है तो b इन 5 इंटू 1 a कितना आ जाएगा, 5, ये 5 हो जाएगा। हाँ भाई सौरभ सही है? हाँ सर। पक्की बात है? हाँ सर। देख लो? हाँ सर देख लीजिए, मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए बेटा, ठीक है सर। चले आगे चले फिर। हाँ यस सर। अब इसको मिनिमाइज कैसे करूं सर? अब बोलिए बेटा। सर ये 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3 किधर से आया, कौन सा बेटा 5b माइनस 2b, ये वाला कर रही हो? यस सर। यहां से आया, ओके ऊपर a माइनस 2b इक्वल टू 3 सही था ना? यस सर। a किसके इक्वल है बेटा? 5b, तो उस a की वैल्यू बेटा मैंने आपको पुट कर दी है, ठीक है। यस सर। चले आगे बढ़े बच्चों। अब भाई सौरभ चले आगे? हाँ सर। समझ में आ गया है ना, ऐसी मैं बोले कि भैया ने ढंग से समझाया नहीं, वैसे ऐसी हवा हवा में समझा दिया। नहीं नहीं सर समझ आ गया। ये फर्स्ट टाइम मैंने इस डिजिटल बोर्ड पे इतनी एडजस्टमेंट करके पढ़ाया है, देख रहा है, वरना हर बार में सीधा पेज ऊपर करता था, ध्यान होगा तुमको, है ना। बट यहाँ पर स्लाइड का सिस्टम है ना यार, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, सीधा फिर मेरे को नई स्लाइड पे जाना पड़ेगा। अरे वो एंड्रॉइड वाले पे, अरे अभी उस पे पीसी वाले पे चलता है ना, चलो भाई आईएस कह रहा है। ओके अब भाई सेकंड पार्ट पढ़ो, फॉर व्हाट फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए, समझ पा रहे हो? यस हां सर। 3x + y = 1 ये सेकंड पार्ट है, 3x plus y equal to 1
एंड 2k-1x प्लस में क्या था k-1y इज नॉट इक्वल टू 2k+1 इक्वल टू 2k+1 बेटा नो सॉल्यूशन कह रहे हैं ना यस सर नो सॉल्यूशन तो तब होगा जब ये पैरेलल होंगे यस सर a1 by a2 equals to b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 ये दोनों पहले तो इक्वल होने चाहिए फिर ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए मानते हो कि नहीं मानते हो बोलो बेटा 3k अपॉन में क्या होना चाहिए जी बच्चों ये 3k अपॉन में क्या आएगा 2k-1 इक्वल टू क्या होना चाहिए 1k अपॉन में k-1 ये बात ठीक है बच्चों अरे आवाज नहीं जा रही होगी यस सर आवाज आ रही है बच्चों यस सर और ये इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए 1k अपॉन में 2k+1 अब भाई सौरभ सही है हाँ सर सौरभ उसकी तो बाद में बात करिए पहले इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है यार हाँ देख भाई इनको सॉल्व कर लेते हैं फिर ठीक है सर थ्री के पॉन में 2k-1 इक्वल टू 1k पॉन में k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 into k 3 into 1 2k-1 into 1 2k-1 now 3k-2k क्या जाएगा k और 3 को राइट में भेज दो तो -1+3 चेक करो आंसर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है सर 2 आ रहा है ना हाँ अब देख लो एक बार देख पहली क्वेश्चन क्या है 3x+y = k = 1 और k की वैल्यू 2 है ना टू इंटू टू 4, 4-1 3 2-1 1 और 2 into 2 4+1 5 देख सकते हैं क्लियरली a1 upon a2 = b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2 सही बन रहा है दोस्त हाँ सर चले आगे की तरफ हाँ बोल बेटा मेरे भाई इन सज्जन को क्या तकलीफ है बोलो भाई लालू थोड़ा हिंदी में बोल बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले से क्या एक्स और वाई की वैल्यू थोड़ी निकालनी है क्या इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वो सब मेथड तब यूज कर रहे हैं जब हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो वो थोड़ी फाइंड कर रहे हैं हमको तो इक्वेशन दे रखी है और ये भी बोल दिया कि इसके सॉल्यूशन है ही नहीं जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे ना यहाँ पर हमको ये पूछा गया है कि इस k की जगह ऐसा क्या रहता है जिससे कि नो सॉल्यूशन हो जाए तो उसमें ना कॉफिशियंट्स का खेल है और कॉफिशियंट के लिए बड़ी कंडीशन का खेल है बना यहाँ पे ठीक है दोस्त चले बच्चों आगे चले हाँ सर अब मेरे दोस्त अब चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम की तरफ ठीक है सर क्वेश्चन 4 में जो वर्ड प्रॉब्लम है हम अब उनकी तरफ बढ़ रहे हैं मेरे भाई ठीक है सर पहला पार्ट ये 3.5 चल रही है बेटा सुंदर सी हमारी एक्सरसाइज है उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है बट उसमें थोड़ी अलग तरीके की है लेकिन जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल आया करते हैं इसमें अब भाई सौरभ पहले क्वेश्चन को जल्दी से अपनी आवाज दो बेटा अपनी आवाज से आप इस क्वेश्चन को सुशोभित कर दीजिए बेटा जल्दी से अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज One has taken food in the mess. What a student A takes food for 20 days. She has to pay 1,000 as hostel charges. Whereas a student B, who takes food for 26 days, pays 1,180 as hostel charges. Find the charges and the cost of food per day. ठीक है भाई? बच्चों बोला गया क्या?
कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। देख भाई सौरभ, हॉस्टल जो आपका है, हॉस्टल वालों ने आपको कमरा दे दिया भैया रहने के लिए, सोने के लिए, पढ़ने के लिए भाई, ठीक है ना। बट इंसान अब खाएगा पिएगा भी तो कुछ ना यार। भैया बोल दिया गया कि कैंटीन से खाओगे ना कुछ तो पैसा लगेगा। हर दिन के हिसाब से लेंगे पैसा, ठीक है सर। ठीक है, एक तो हॉस्टल का हो गया, दूसरा कैंटीन का हो गया। बेटा क्या बोला गया, पार्ट ऑफ हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड है ना। हाँ, x रुपए मान ले। हाँ, और कैंटीन का तो पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। हाँ, वाई। तो देख बोला गया है, वन हैज टेकन, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 1000 रुपीज। 20 दिन तक बेटा खाना लिया, कितना पे किया? 1000 रुपीज। ऐसे बी, फिर क्या बोलते हैं, वेर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज 1180 रुपए बेटा पे किए हैं। ठीक है सर, कितने दिन के लिए? 26। मेरे दोस्त, अब तुमने हॉस्टल में प्रवेश कर दिया है तो प्रवेश करते ही एक्स रुपए तो बेटा तुम पे ड्यू हो चुके हैं कि भाई अब देने ही देने हैं। ठीक है, ऊपर से 20 दिन तक खाना खा रहे हो भाई, तो 20 दिन का ही पैसा दोगे 20 भाई। दोनों को मिला के भैया कुल मिला के 1000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। नहीं समझे बात को? समझ गया सर। कम समझे हो? नहीं सर, समझ गए। ऐसे ही 26 यहाँ पे क्या बेटा, एक्स दिन का खाना लियो भाई। सर 26 बता भाई, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा सर। ये तो पिछली क्लास में टैक्सी वाले जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं वैसी सीन हो गया इसमें ना, कि भाई टैक्सी में जैसे बैठ गए तो भैया गोलवा हमसे पैसे ले लेते हैं भाई, तुरंत पैसे निकालो हमारे। फिर उसके बाद अलग से भाई जो तुम जितना दूर जाओगे उसके अलग से पैसे लगते हैं। सही बात है। चलिए ले भाई, फिर से फ्रैक्शन आ गई। क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे हवाले छोड़ दूं? हाँ सर। यस सर। फिर खुद करना यार। ठीक है सर। थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा, थर्ड पार्ट। यश नाम के बच्चे की बात हो रही है बेटा। ठीक है सर। एक यश नाम का बच्चा है, बोलता है कि 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, 40 नंबर मिले बेटा, बट कम मिले, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। भाई नेगेटिव मार्किंग है भाई यहाँ पे। ठीक है सर। नेगेटिव मार्किंग समझते हो? हाँ सर। ये थर्ड पार्ट है ना? हाँ सर। भाई सीन ऐसा है कि मैं अनुराग भैया तुम्हारा कभी टेस्ट ले रहे भाई, ठीक है? हाँ। और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है बेटा, जो हमारे ना एमसीक्यू वगैरह जो होते हैं। ठीक है, मैंने बोल रखा बेटा सही जवाब दोगे तो दो नंबर, ठीक, और गलत जवाब दोगे तो एक नंबर कट जाएगा बेटा। ठीक है, जैसे बचपन में कल्ली जोटा खेला बेटा, कल्ली जोटा, अरे वो नहीं, अरे कंचे वगैरह, कंचे नहीं, नहीं कंचे का खेल होता था ना, कि फिर हाथ में कंचे रखने होते थे, बताना होता था कि कल्ली है जोटा है, इवन है कि ऑड है। हमारे एक भाई ने खेल रखा है यहाँ पे, देखो ये बुराड़ी का बच्चा ने खेल रखा है, बाकी सब बाहर से आ रहे मेरे से यहाँ पे, भाई देखा है तो बेटा वही सीन वहां पे झपट। चलो कुछ नहीं बेटा यार, चलो चलो हमको बोले का फायदा नहीं है फिर, है ना, मालूम ही नहीं तुम्हें यार। ओके तो बेटा यहाँ पर ऐसा है ना बच्चों, बच्चे हमारे कंचे खेलने वाले बच्चे नहीं है यहाँ पे, ये गधे पबजी वाले हैं, ये पबजी वाला है क्या, ये पबजी वाले हैं गधे सारे। लो बेटा तो ऐसा है ना सौरभ भाई, हमने तुमसे कुछ सवाल पूछे, तुमने 6 सवालों के बहुत ही सुंदर सही जवाब दिए, ठीक है, तो हर सही जवाब के बेटा मैं तुम्हें 2 नंबर दूंगा, ठीक है, ठीक है। और तूने 4 सवालों के बेटा गलत जवाब दिए, तो बेटा यहाँ पर मैं तेरा 1 नंबर काट दूंगा बेटा। ठीक है, तो बता तेरे कितने नंबर आए? 8।
आठ नंबर आएंगे। समझ पा रहा बात? हाँ सर। यानी कि यहाँ पर टेंशन क्या होती है सर के एग्जाम में कि भाई हमको ना सोच समझ के अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन को, सोच समझ के। ठीक है। हमारा एक भाई समझा नहीं कि क्या कर दिया। इंडिया के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मोदी। भाई ने मोदी बोल दिया। ठीक है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। दो सवाल के सही जवाब दे दिए, तेरे चार नंबर हो गए भाई। ठीक है। अब केरल के सीएम का नाम बता भाई। नहीं पता? ले बेटा, अगर हम चार ऑप्शन में देता हूं तेरे को, तूने गलत वाले पे टिक लगा लिया तो तेरा एक नंबर कट जाएगा बेटा। क्वेश्चन तो सारे दो मार्क्स की है, सही जवाब देगा तो पूरे दो नंबर देंगे और गलत जवाब देगा तो एक नंबर काट दूंगा। क्यों मिलेगा? अरे यार नेगेटिव आ जाएंगे बेटा। जेई में होते हैं ना हमारे क्रांतिकारी, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव में स्कोर करते हैं। एक था हमारा मित्र हमारे इस समय में, नेगेटिव में लाया था मार्क्स। चलो भाई, तो सौरभ भाई। हाँ सर। अब मेरा सवाल तेरे से ये है कि मैंने तुझसे कुल मिला के कितने क्वेश्चन पूछे सर? 10। 10 क्वेश्चंस मैंने तुझसे कुल मिला के 10 क्वेश्चंस पूछे। ये हमारी एजम्पशन है कि तूने एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। ठीक है। तूने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो 6 के तूने सही जवाब दिए, 4 के तूने गलत जवाब दिए, तो तेरे नंबर 8 आ गए, है ना? हाँ। तूने टोटल 10 क्वेश्चन के सही जवाब दे दिए। सही बात है। तूने टोटल 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया भाई। अब ऐसे ही यहाँ पर भी क्या सीन है कि यश नाम का बच्चा है, उसने कुछ प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे, कुछ के उसने गलत जवाब दिए होंगे। ठीक है। ठीक है। मुझे नहीं मालूम उसने कितनों के सही जवाब दिए। लेट ही आंसर्स एक्स क्वेश्चन करेक्टली एंड वाई क्वेश्चंस रॉन्गली। हाँ सर। अब अंग्रेजी वगैरह देख लेना भाई। ठीक है। अंग्रेजी में कभी मत निकालना यार। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, और हम मारूंगा बहुत ज्यादा अगर ऐसी बात हुई तो। हाँ भाई, अब देख मेरे दोस्त, तूने एक्स प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं और वाई प्रश्नों के गलत जवाब दिए हैं। क्या बोला गया है कि 40 नंबर आएंगे कब? अगर 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। भाई जितने सही जवाब देगा, हर सही जवाब के 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है सर। यानी कुल मिला के 3 नंबर मिल गए और एक गलत जवाब का 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है। गलत जवाब दिए कितने तुमने? वाई। वाई तो नंबर भी कितने कटेंगे? -1। -1 के हिसाब से तो -y कट जाएंगे। यानी 5 क्वेश्चन के गलत जवाब होंगे तो -5 कट जाएंगे, 6 क्वेश्चन के गलत जवाब होंगे तो -3 कट जाएंगे, फिर -3 हो जाएंगे। ठीक है। और तेरे मार्क्स बने कितने? 40। ले भाई, एक ही क्वेश्चन आ गई, कोई टेंशन वाली बात है नहीं सर। ऐसे ही मेरे दोस्त कहते हैं कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यदि हर सही जवाब के 4 नंबर मिले होते एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर इनकरेक्ट आंसर। भाई सही जवाब के कितने? सही जवाब के कितने? 4। और गलत जवाब के कट जाए 2, तो स्कोर कितना होता हमारा? ही वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। He would have scored 50 marks. और ले मेरे भाई, 4x minus 2y equal to आ गया 50. बता क्या तू इसको सॉल्व नहीं कर सकते इन दो इक्वेशंस को? कर सकते सर। पक्की बात है? हाँ सर। चले आगे की तरफ? हाँ सर। बच्चों हो जाएगा आगे? किसी को दिक्कत है इसमें पढ़ने का? इशिता, किसी को दिक्कत है? आकांक्षा? नो सर। अनिशा, अक्षय, उपासना, टिम्मी, सार्थक भाई, ये क्वेश्चन भाई तुम्हारे लिए घर पे होंगे फिर। चलिए अब दोस्तों, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को ओवर करना है ना। अब हम देखेंगे 5वां पार्ट।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सौरभ भाई। हाँ सर। मैं अपनी आवाज देना चाहूंगा। ठीक है सर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। किसी रेक्टेंगल की बात कर रहा है ना दोस्त? हाँ सर। किसी रेक्टेंगल की बात कर रहा है, और रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो अरे यार तो हमारे पास भी होंगे ना शेप इस तरह बनाने के। यार लो भाई, आहा, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे थे अभी तक यार? करवाने चाहिए तुम लोगों को, बताओ। कभी मोटिवेट नहीं करते मेरे को कि भैया वो सब यूज करो। भाई लेंथ, सौरभ भाई। हाँ सर। लेंथ x। हाँ। और ब्रेथ y। y बता इसका एरिया कितना हो जाएगा? मानता है कि नहीं मानता है? हाँ सर। इसका एरिया हो गया। अब बात करते हैं केस वन की। क्या बोला बेटा इसमें कि क्या करो, लंबाई को घटा दो? सर हाँ, 5 यूनिट्स। द एरिया गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। लंबाई को घटाना है और चौड़ाई को बढ़ाना है, तो उससे एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? सर एरिया 9 आएगा। एरिया 9 नहीं आएगा, रिड्यूस्ड बाय 9, 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाएगा। यानी कि पहले अगर एरिया 20 था तो वो 11 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ आ रही बात? हाँ सर। योर एज इज रिड्यूस्ड बाय 3, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी एज 3 साल कर दी गई है, तुम्हारी एज 3 साल से घटा दी गई है, तो फिर तुम बेटा फिर 12 साल के हो जाओगे बेटा फिर। सौरभ ठीक है, तो लंबाई को घटाना है, कितना घटाना है? पहले थी x, तो अब क्या x माइनस 5, और चौड़ाई को क्या करना है, बढ़ाना है? हाँ सर, 3 यूनिट। बता नया एरिया क्या होगा? पहले एरिया कितना था? x इंटू वाई। अब एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है? एरिया कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? माइनस में 9। मानता है इस बात को? हाँ सर। बाय 9। अब इसको सॉल्व कर भाई, एरिया निकलता कैसे है? उस x माइनस 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी y प्लस 3 के साथ, फिर आ जाएगा एक्स वाई माइनस में 9। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। सॉल्व कर, x इंटू वाई, x इंटू 3, 5 इंटू वाई, 5 इंटू 3, और यहां पर आप देख सकते हैं एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और हमारे पास बड़ी आ जाएगा 3x माइनस 3x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 5। ये माइनस के 15 राइट में जाएगा, प्लस का 15, 15 माइनस 9 विल बी 6। ये कुछ इस तरह से आ रहा है मेरे पास, तो नेगेटिव में क्यों आ रहा है भाई? चलो अब क्या करें बेटा, आ रहा है ना। चलो भाई ये एक पहली इक्वेशन आ गई है, ठीक है दोस्तों। सर प्लस 3x होगा, प्लस का 3x होगा, प्लस 3x होगा, आपने माइनस 3x किया है। अच्छा, ओहो, ये बच्चे बोल भी नहीं रहे, ऑफलाइन वाले बच्चे ना, मैं बता रहा हूँ गधे हैं यहाँ पे एक नंबर के यार, क्या बोले यार, कैसे बच्चे हैं। अब ठीक है बेटा, अब तो कोई मिस्टेक नहीं बच्चे, अब आ जाओ केस टू पे। केस टू में यहां पर भी बेटा रेक्टेंगल में अब क्या किया बेटा, कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, लंबाई भी बढ़ा दो चौड़ाई इस बार तो दोनों ही बढ़ा दो, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? एक्स प्लस 3, चौड़ाई को 2 यूनिट। हाँ सर। अब जो नया एरिया होगा बेटा वो पुराने एरिया से 67 यूनिट ज्यादा होगा, सही बात है? हाँ सर। ये बन जाएगा x इंटू वाई, x इंटू 2, 3 इंटू वाई, ये क्या हो गया? अरे यार ये तो बड़ा पंगा है यार।
x into y, x into 2, 3 into y, 3 into 2. Two x plus 3y, 67 minus 6 will be 51. बड़ा बड़ा ये दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे. हाँ सर. किसके मन में कोई शंका है कोई? हाँ सर. चलो आज की कक्षा का बेटा फिर हम यहाँ पे समापन करते हैं, ठीक है. और जो ये पीडीएफ है बेटा ये आप लोगों को मिलेगी और जरूर मिलेगी बच्चों. हमने कहाँ तक कर लिया था यार बताना जल्दी से एक बार. सर 3.5 कंप्लीट हो गया था. 3.5 पर कंप्लीट हो गया? नहीं कुछ रह गया था उसमें. सर रहा क्या था बेटा? कार वाला क्वेश्चन रह गया था बेटा. मैं ऐसी बात बोल देते हो ना यार. इसमें दो क्वेश्चन रह गए थे बेटा. क्या ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट? ये क्वेश्चन हो गया? हाँ भाई सौरभ. नहीं सर. तो तू तो बोल रहा हो गया पूरा कंप्लीट. वो हम लास्ट वाला देख के बोल दिए सर. ऐसे थोड़ी होता है, तभी तो देश आगे नहीं बढ़ पा रहा बेटा. चलो भाई क्वेश्चन सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? से आना चाहिए. क्रॉप का ऑप्शन है इसके. क्रॉप 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 सेव हो गया. चलिए छोड़ी पैसे रहने थे. चलिए देखिएगा बेटा प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. ठीक है. इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स. ठीक है. इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर. ओके. नाउ व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स? देखिए दोस्तों एक सुंदर सा क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है और ये है आपके 3.5 के. कौन सा क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन नंबर पता चल जाए भाई. फोर का फिफ्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फोर का फोर्थ पार्ट. सौरभ भाई बोला गया है कि एक हाईवे है. मान लेते हैं कि ए से लेकर बी तक और उनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर. कह रहा है कि जो एक गाड़ी है ना वो यहां से चलना शुरू करती है. एक गाड़ी हमारी यहां से चलना शुरू करती है और एक गाड़ी यहां से चलना शुरू करती है सेम टाइम पे. ठीक है. अब ऐसा हो सकता है कि वो दोनों गाड़ियां इस तरह से आ रही हो एक दूसरे की तरफ. मानता कि नहीं मानता है? हाँ सर. और ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी ऐसे 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 आ रही है. समझ पा रहे हैं? मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है. तो देख कहता है कि व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में दोनों जाते हैं तो वो एक दूसरे को 5 घंटे में मिल जाते हैं. 5 घंटे में मिल जा रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ये बी यहां से चलना शुरू करता है ये यहां तक पहुंच पाता होगा और ये यहां से चलना शुरू करता है मेरे भाई तो वो ए से लेकर कहां तक पहुंचता होगा? सी तक. बी ने बी कहां से कहां तक गया? यहां तक. मानता है? हाँ सर. और ए यहां से लेकर पूरा कहां तक पहुंच गया? सी तक पहुंच गया. सी तक. बताओ वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया बेटा? 5 आवर. इस ए को सी तक पहुंचने में 5 घंटे लग गए. अच्छा बता बी को सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा. बहुत मारे 5 घंटे तो लगे होंगे ना? हाँ सर. हाँ सर. अरे यार सर एक साथ में सॉरी सेम टाइम पर दोनों चलना शुरू किए हैं. ये भैया ये तेज नहीं चला रहा ना गाड़ी. ये अनुराग भैया है. अरे तेज चला के कोई फायदा नहीं है. किसको इम्प्रेस करना है? जिंदगी ऐसी है बेटा है ना. पर फिर पता नहीं जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी तेज भगाएंगे तो. लेकिन भैया ये हमारा देव है. हमारी गली का देव. ये हमारा देव है बेटा. देव यहाँ पे क्लास देख रहा होगा भी है. हाँ. मैं इसके हाथ में स्कूटी लग जाए तो इसको लगता है कि बस ये धूम का
जॉन अब्राहम यही है बेटा, ठीक है ना, जॉन अब्राहम यही है बंदा। तो देखो ये बंदा जो बहुत ही तेज चला रहा है वो यहां से लेके यहां पहुंच जाता है, बी यहां से लेके यहां पहुंच पाता है भाई। तो 5 घंटे में दोनों मिल ही जाते हैं, लेकिन सौरभ भाई अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आए, समझ रहा है क्या कह रहा हूं? हाँ सर समझ गया। दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आए तो ये दोनों एक दूसरे को बीच में यहां कहीं मिल जाते होंगे, ठीक है, कितनी देर में? ठीक है सर, एक ही घंटे में मिल जाते हैं, पहुंच पा रहा बात को, क्या कह रहा हूं? हाँ सर। तो भैया दो सिचुएशन है, सिचुएशन क्या क्या, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे बेटा। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम द बी एट द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल करें विद डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर, बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। Now what are the speed of two cars? बताइए, क्वेश्चन मैंने यही समझाया बेटा, क्वेश्चन मैंने सही समझाया कि नहीं समझाया? हाँ सर, क्वेश्चन में यही कह रहा है ना, हाँ। कि भैया एक हाईवे है ए से लेके बी तक के बीच की जो दूरी है, दिस डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, एक ए से चलता है दूसरा बी से चलता है, तो दोनों सी पर मिल जाते हैं 5 घंटे में, लेकिन जब दोनों एक दूसरे की तरफ चला करते हैं तब ये डी पर मिलते हैं 1 घंटे में, ठीक है? हाँ सर। And now we have to find the speed of two cars. अब हमें दोनों गाड़ियों की रफ्तार ज्ञात करनी है, तो बेटा मान लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये पहले वाले की स्पीड है, इसकी स्पीड क्या मान लो बेटा? सर y किलोमीटर पर आवर। देख सारी जानकारी बेटा मैंने यहां पे लिख दी है, इस बात को जरा यहां पे तरीके से लिख लेते हैं। लेट The speed of car A is x kilometer per hour. Car B की speed y kilometer per hour. Right? अब देख मेरे दोस्त, हमको एक बात और मालूम है, वीनो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस वो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, टाइम इनटू स्पीड, इस बात को मानता है भाई? हाँ सर, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होता है ना। हाँ तो मेरे दोस्त, अब मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, मेरे सवाल का तेरे को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है सर? क्या कह रहा, सभी सवालों का जवाब दे रहा हूं अब, और कितने सवालों का जवाब दू, ऐसा तो नहीं कह रहा? नहीं सर। थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इसको, है ठीक है सर, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं इसको, ज्यादा स्पेस घेर रहा है ना यार, आज उससे मैंने थोड़ा नए सिस्टम से पढ़ाने लगे ना, स्लाइड वाले सिस्टम मैंने कर दिया है ना, तो इसलिए भाई फुल स्क्रीन हो गया। अब देख मेरे दोस्त, ऐसा है ना, अब जरा केस वन समझियो, ठीक है सर? व्हेन ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर। देखो मेरे बच्चों, ऐसा है ना, एग्जाम में आपको ये सब लिखने की अब जरूरत तो है नहीं भाई, सर भाई गलत बोल रहा हूं? नहीं सर। अब तो एमसीक्यू वाला सिस्टम है ना तुम्हारा भी? हाँ सर। तो मेरे दोस्त, ये तुमको समझाने के लिए बेटा मैं सारी बातें लिख रहा हूं, ताकि अगर कल को दोबारा कॉपी खोलो तो पता चल जाए भाई, ठीक है ना? ठीक है। हाँ। क्योंकि यही बात तो मैं लगातार 10 मिनट से बोल रहा हूँ कि when they travel in the same direction they meet in 5 hours। अब बता, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहली गाड़ी कहां से चलना शुरू हुई? अरे खत्म कहां पर हुई बेटा? सी। सी पे। तो ए, ये पहली गाड़ी जो थी वो ए से लेके पहुंच गई सी तक। हाँ बता, दूसरी गाड़ी कहां से शुरू हुई और कहां पे खत्म हुई? सर बी से। सी। बी से शुरू हुई और सी पे खत्म हो गई, मानता है कि नहीं मानता है? हाँ सर। अब मैं तेरे से एक बात पूछूंगा, ये ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है उसमें से हाँ। अगर मैं माइनस कर दूं बी से लेके सी तक की डिस्टेंस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये ए से लेके बी तक की डिस्टेंस बच जाएगी? हाँ सर। मानता है ना?
कल को मना तो नहीं करेगा? नहीं सर। अच्छा मेरे भाई, ए से लेके सी तक की ये क्या है? डिस्टेंस, मानता है ना? और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड, मानता है कि नहीं मानता है? हाँ सर। तो ए से लेकर सी तक हम कितनी देर में पहुंचे, कितने टाइम में पहुंचे बेटा? ए से सी तक टाइम कितना लगा मेरे दोस्त? 5 घंटे। भैया गाड़ी यहां से चली है और सी तक पहुंची, 5 घंटे लग गए। और हमारी स्पीड क्या थी बेटा इस दौरान? x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर। बता भाई डिस्टेंस मिल गई? डिस्टेंस हाँ सर। ऐसे ही माइनस बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक पहुंचने में टाइम कितना लग गया सर? 5 आवर। और इस दौरान हमारी स्पीड क्या थी? y किलोमीटर पर y। तो 5 घंटे y की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5x में से हम इस 5y को माइनस कर ले मेरे दोस्त, तो बता क्या वो 100 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। पूरी इक्वेशन को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ? एज यू कैन सी 5 इज कॉमन, तो x माइनस वाई जो है वो 420 आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात है मेरे दोस्त? नहीं सर। अब देख ये था केस 1, एक इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? आ गया। आ गई। अब ऐसी केस 2 में मेरे दोस्त, when they travel towards each other, when travel towards each other, एक दूसरे के डायरेक्शन में, एक दूसरे की दिशा में जा रहे हैं बेटा, तो बता ए कहां तक पहुंच पाया बेटा? सर बी, डी। मैम मारेंगे ना बेटा, बहुत मारेंगे, बता रहे हैं। डी तक पहुंचा है, दिख नहीं रहा है? हाँ। सौरभ यार तू ऐसे कर रहा है ना यार, दिल से बुरा लगता है भाई तेरे। तो ए कहां तक पहुंचा बेटा? डी तक। और बी कहां तक पहुंचा? वो भी डी तक। ए डी तक गया, बी भी डी तक गया। तो बता मेरे भाई, ए डी में बी डी जोड़ दूं तो बता मेरे भाई क्या वो ए बी बन जाएगा? हाँ सर। मानता है ना? हाँ। मानना पड़ेगा भाई, है ना? हाँ। अब देख ए से लेके बी तक तेरे को मालूम है किसके इक्वल है? सर ए बी 100। और ए डी किसके इक्वल होगा जरा बताओ फटाफट से, सभी बच्चे बताओ ए डी किसके इक्वल होगा? ए डी सर एक्स। की अब भाई बालको ए डी एक्स सही है बेटा, क्या नाम है कुणाल भाई? अब भाई रज्जा कुणाल नालेक्स हो गया। इशिता यस सर। ए डी किसके इक्वल है बेटा? ए से लेके डी तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके इक्वल है? x माइनस 100। ओके ये ओके। इशिता मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ए से लेके डी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा बेटा? 1 आवर। स्पीड क्या थी इस दौरान? x किलोमीटर। डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, तो टाइम इंटू स्पीड नहीं होता? यस सर। तो क्या आपको सिंपल 1 × x नहीं बोलना चाहिए? सिंपली से एक्स ऐसी। बी डी किसके इक्वल होगा इशिता? बी डी किसके इक्वल होगा? वाई। 1 × y। बी से लेकर डी तक पहुंचने में 1 घंटा लगा, स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, तो एक्स प्लस वाई ये 100 के इक्वल आ गया। बताइए मेरे को बेटा क्या अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते? यस सर कर सकते। बच्चों क्या ये 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी? क्या बोलती पब्लिक? बोल लो कुछ यार। हाँ सर। तुम कुछ बोलते नहीं भाई, बहुत बुरा लगता है भाई फिर यार। चलो बेटा आगे आगे की तरफ बढ़े हम। हाँ सर। अब बढ़ते हैं आगे, तो आई थिंक ये एक्सरसाइज पूरी ओवर होगी शायद अब। ये मेरे को याद है ये 67 ये जो फिफ्थ पार्ट रेक्टेंगल वाला ये मैंने करवा दिया था बेटा। सो अब आपकी इसकी लास्ट एक्सरसाइज है ना 3.6। तो कुणाल भाई ऐसा है ना,
ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें कुछ खास है नहीं यार। तो बोलेगा सर ऐसे कहते खास नहीं है, तो ले मेरे भाई 3.6 का सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त सौरभ, फिर तेरे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिना कोई कॉन्सेप्ट समझाए सीधा क्वेश्चन करा रहे, ये तो गलत बात है। हैं आ रहा है सर कुछ सवाल? हाँ आ रहा भाई। अरे नहीं आ रहा। 1/2x प्लस क्या था, 1/3y इक्वल टू 2। हाँ सर। और दूसरे में क्या है, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। हाँ सर। क्वेश्चन देख लो सही लिखा है। हाँ सर सही है। अब देख मेरे दोस्त, अब होगा क्या ना, इस बार वेरिएबल तुम्हें डिनोमिनेटर में दिखाई देगा। ये जो डिनोमिनेटर में ये जो वेरिएबल दिखाई देगा बेटा, इस डिनोमिनेटर में वेरिएबल तो रहना नहीं चाहिए भाई, मानता कि नहीं मानता है? हमने तो भैया अब तक जो भी क्वेश्चन करे उसके न्यूमरेटर में वेरिएबल था ना। हाँ। तो कायदे से देखा जाए तो ना, ये लीनियर इक्वेशन है नहीं बेटा, लीनियर इक्वेशन ये बच्चे, लीनियर इक्वेशन तो क्या होती है, जिसमें एक्स भी ऊपर हो वाई भी ऊपर हो दोनों की पावर वन हो, क्यों? हाँ। बट ये भले ही लीनियर ना हो बट ये रिड्यूसेबल टू लीनियर है भाई, इसको लीनियर बनाया जा सकता है, अभी है नहीं पर जबरदस्ती करके बना सकते। कैसे बना सकते हैं तरीका देख बेटा सौरभ, 1/2x लिखा है ना। हाँ। उस 1/x को अलग कर दे, ठीक है, 1/3 1/y को अलग कर दे, जैसे ही 1/x 1/y यहां पर हुए वैसे वहां रहने चाहिए, 1/3 को अलग रख, पता मेरे दोस्त कोई टेंशन वाली बात है नहीं सर। अब ये जो 1/x है ना, हाँ, इसको एक नाम दे दे m, ठीक है, और जो 1/y है इसको नाम दे दे n, ठीक है, ठीक है सर। देख भाई ये क्या बन गया, 1/2 m प्लस 1/3 n, टोटल में आ गया 2। पता ये क्या बन गया, 1/3 m 1/2 1/y की जगह लिख देंगे n, राइट साइड में क्या आ गया बेटा, 13/6 मानता कि नहीं मानता है? हाँ सर। ऐसी 2 और 3 6 एलसीएम, यहां जाएगा 3m प्लस 2n 3m प्लस 2n इक्वल टू क्या बन गया, 12 आ गया। हाँ सर। ये बच्चों, हाँ, ऐसे यहां पे 2m प्लस 3n 13/6 हो गया, 6 से 6 भी कैंसिल, तो 2m प्लस 3n इक्वल टू में आ गया 13। कोई टेंशन वाली बात है मेरे भाई? नहीं सर। बच्चों इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके जल्दी से बताओ m किसके इक्वल है और n किसके इक्वल है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और इस इक्वेशन को सॉल्व करो भाई, कौन सा मेथड यूज करोगे, एलिमिनेशन वगैरह लगा लो, जल्दी से आंसर निकालो बेटा। अजी अब सौरभ यहां मल्टीप्लाई कर लिया होगा 2 से, यहां मल्टीप्लाई कर लिया होगा 3 से, मिल जाएगा 6m प्लस 4m 24, वहां 3 से मल्टीप्लाई करो। सर n इज इक्वल्स टू 3 और m इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, कर लिया बेटा मैंने, एक बार देख लेते हैं अब मैच करना आपको सही कि नहीं। 4 - 1 - 5 n 3 आ रहा बेटा, yes, n 3 है, ओके okay. इस n को दोनों में से कहीं भी पुट कर सकते हैं आप लोग, मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं, n की जगह पर 3, 13 - 9 will be 4, m आ जाएगा 2। अब भाई सौरभ सही है? हाँ सर। हमने n निकाल दिया और हमने m निकाल दिया, अब मेरे को एक बात बता, हमारा जो m था वो 1/x था, हाँ, n 1/y था, हाँ, n था 1/y,
और m था 1 बाई एक्स, मानता कि नहीं मानता है? हाँ सर। तो था 1 बाई वाई अगर 3 के इक्वल है तो क्या मैं बोल नहीं सकता कि y 1 बाई 3 के इक्वल होगा? हाँ सर। 1 बाई एक्स 2 के इक्वल है तो x पक्की बात है 1 बाई 2, 1 बाई 2 के इक्वल होगा। बता मेरे भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? आ रहा है सर। बोलो बच्चों तो बताइए ये मेथड इजी है कि नहीं है, मतलब ये भी चीज आसान है कि नहीं है? ऐसा एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें, एक आंसर आ गया भाई ये पहले का चल रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ऐसे ही जो थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट में क्या करोगे? देखो y तो ऊपर ऑलरेडी है ना। हाँ सर। बस आपको x में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है सर। इसमें क्या करोगे भाई? 4 है इंटू में 1 बाई एक्स प्लस में 3y इक्वल टू क्या कर लोगे? 14। नेक्स्ट में क्या करना, ये जो 1 बाई एक्स है उसको m मान लेना, क्योंकि 1 बाई वाई को n मानने की जरूरत नहीं है बेटा इस बार, पता है ना क्यों? हाँ सर। y इस बार ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो ये बन जाएगा 4m प्लस 3n इक्वल टू 14। ऐसे ये क्या बन जाएगा? अच्छा ये मैंने n लिख दिया गलती से बेटा, ये y है बेटा 3y, अरे बन जाएगा 3m माइनस 4y इक्वल टू 24। पता ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें m फाइंड करना और y फाइंड करना, जो m निकलेगा ना उसे हमको यहाँ पुट कर लेना, उसको पुट करके तुम्हें x मिल जाएगा यार, क्या बोलते हो सही रहेगा? हाँ सर। मैं करवाता हूँ तुम्हें क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखिए बड़ा क्वेश्चन को देख भाई ध्यान से। 3 बाई रूट वाई, नेक्स्ट में क्या है सर? 4 बाई रूट एक्स माइनस 9 बाई रूट एक्स, 4 माइनस 9 तो माइनस 1। हाँ सर। तो यहां पर मेरे दोस्तों समझ गया होगा, वेरिएबल को अलग करना है बेटा यहां पे हमें। ठीक है सर। फिलहाल सही चल रहा है? लाल भाई सही है? हाँ भैया। अब यहां पर बेटा फिर से भाई जो 1 बाय रूट एक्स है उसको m मान लेंगे, 1 बाय रूट वाई को n n मान लेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा 2m प्लस 3n इक्वल टू 2। ओके हाँ सर। और वो क्या बन जाएगा 4m माइनस 9n इक्वल टू माइनस 1। तो इनको सॉल्व करना है बच्चों, क्या आप लोग जल्दी से मुझे बता सकते हो m किसके इक्वल है और n किसके इक्वल है? सॉल्व करो बड़ा फट से। m किसके इक्वल है और हमारा n किसके इक्वल है? लिख रहे हो यार? सर m 1 बाई 2, m 1 बाई 2 और n, n कितना? एक मिनट सर, 1 बाई रूट वाई, 1 बाई रूट वाई। अबे यार n की वैल्यू एक मिनट।
सर 1/10 1/10 नहीं सर 1/5 1/3 सही है बेटा 1/3 सही है बच्चों बेटा क्या नाम है अदिति अदिति कह रहा हूँ यार इशिता एम 1/2 निकला बेटा है ना ये 1/2 निकला सर पहले हम एन निकाल रहे थे तो पहले एन निकाल रहे थे फिर भी एन अगर निकाल रहे हो तो आपने क्या किया होगा इनको एलिमिनेट किया होगा सर सॉरी गलत तभी वही आएगा बेटा ठीक है ना अब देखिए एम हमारा है किसके इक्वल एम है 1/√x क्यों भाई सौरभ सौरभ एस हो गया ना हाँ सर एम हमारा अरे यार लो भाई अंधेरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी कौन जरा समझेगा भाई थोड़ी देर अंधेरे को समझना है ठीक है ना अंधेरे में सौरभ भाई ठीक है हाँ सर अभी जो है ना बेटा दुनिया में अंधेरा छा रहा है धीरे धीरे एम की वैल्यू 1/√x 1/2 की इक्वल यहाँ से √x बेटा हमारा 2 आ जाएगा इस बात को मानते हैं हाँ और यहाँ से x की वैल्यू बेटा हमारी आ जाएगी 4 ये सही है हाँ सर ऐसी n जो बेटा हमारा 1/3 है और n था किसके इक्वल 1/√y सर √y यानी √y यहाँ पे 3 के इक्वल होगा हाँ सर स्क्वायरिंग कर ले बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड y आ जाएगा 9 के इक्वल कोई टेंशन वाली बात है भाई नहीं सर ओके यार चलो भाई ये भी हो गया तो मेरे दोस्त ऐसा है ना जैसे हमने ये क्वेश्चन किए हैं ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जितने भी बड़े इसमें पार्ट है ना हाँ सर ये सब तुम लोगों ने ट्राई करना है यार ठीक है सर ठीक है मेरे दोस्त मैं हाँ तुम्हें आठवां पार्ट बताना चाहता हूँ बेटा आठवां मैं तुमको इसका एट्थ पार्ट बताना चाहता हूँ जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा ठीक है सर देखिए इसमें क्या है सर 1/3 ये तुम समझ गए तो फिर सारे पार्ट हो जाएंगे फिर क्वेश्चन कुछ गलत लिखूं तो बता देना भाई ठीक है सर चेक करो क्वेश्चन से लिखा मैंने हाँ सर अब देखो भाई इसमें ऐसा है ना बच्चों यार इन्वर्टर का कनेक्शन है लाइट में नहीं हुआ यार ये गड़बड़ ओके देखिएगा जरा इसका भी करते हैं जुगाड़ भाई एक दो दिन में देखो भाई ये जो यहां पर 1/3x+y है इसको m मान लो और वो जो 1/3x-y है बेटा इसको n मान लो ये बात ठीक है हाँ सर तो देख मेरे दोस्त ऐसा है ना ये जो चीज है बेटा ये तो m बन गया हाँ m प्लस में n इक्वल टू में कितना आ गया 3/4 इस 4 को भी लेफ्ट में ले आओ 4 की मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर में 4 उसकी मल्टीप्लाई लेफ्ट में कर दो ये हो जाएगा 4m प्लस 4m इक्वल टू में 3 एक इक्वेशन आ गई हाँ सर ऐसी यहां पर देखिए 1/2 है साथ में तो आगे का हिस्सा m बन जाएगा फिर नीचे माइनस में देख 1/2 है हाँ सर आगे n बन जाएगा माइनस में 1/8 सही है हाँ सर अब देखिए m माइनस n के अपॉन में क्या 2 है चार को भी लेफ्ट में लिया 4m माइनस 4n इक्वल टू में क्या आ गया माइनस n सही है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर पक्का हाँ सर तो देख एक बन रहा 4m प्लस 4n इक्वल टू 3 हाँ 4m प्लस 4m इक्वल टू 3 और दूसरा क्या बन रहा था 4m माइनस 4n इक्वल टू में माइनस 1 तो मेरे भाई ये तो अपने आप ही कैंसिल हो रहे हैं
हाँ सर 4n एट एम इक्वल टू एम आ जाएगा 1/4 ठीक है। हाँ सर और m की जगह पुट कर दो 4 वन बाई फोर प्लस में 4n इक्वल टू 3 है 1 प्लस 4n इक्वल टू 3 4n इक्वल टू 2 और n हमारा आ जाएगा 1/2 कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब m किसके इक्वल था भाई m था 1/3x+y हाँ 1/3x+y ये 1/4 है और 1/3x-y ये 1/2 है सही है। यहां से 3x+y की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहां से 3x-y की वैल्यू आ जाएगी 2 सही है। हाँ सर। अब उसके बाद ये जो दो इक्वेशन है बेटा इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा ये जो नीचे जो दो इक्वेशन है बेटा इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा यार 3x+y 4 के इक्वल फिर 3x-y 2 के इक्वल एलिमिनेशन लगा बेटा वाई से वाई कट जाएगा देख। हाँ सर 6x- x आ गया 1 ठीक है और इस x को ऊपर मूव कर ले 3+y y भी आ जाएगा 1 बता मेरे दोस्त बात समझ में आएगी नहीं आएगी आ गया सर पक्की बात है। हाँ सर m is equals to 1/4 के बाद वाले स्टेप से एक बार फिर से समझा मैं भी बताता हूँ मैं भी बताता हूँ पहली तरफ फाइल को सेव करना जरूरी है यार क्योंकि ना ये बैकअप जरा इन्वर्टर का कम है अभी ओके अब बोलो बड़े क्या कह रहे हो आप सर m इज इक्वल्स टू 1/4 के बाद वाले स्टेप से एक बार समझा ओके बच्चे देख n m हमारा 1/4 निकला इस m को बेटा यहां पे पुट कर लो यहां पर ठीक है तो आपको n की वैल्यू भी मिल जाएगी वो आ रही है बेटा 1/2 नहीं समझे अगर मैं m की जगह 1/4 रख दूंगा देख सकते हो तो 4 से 4 कटेगा 1 बचेगा वो 1 राइट साइड में जाके 3-1 2 बन जाएगा और यहां से n की वैल्यू हमारी 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगी ये 2/4 है ना बेटा यहां से यस सर। अब देखो m m जो था वो 1/3x+y के इक्वल था 1/4 बन गया और जो n था बेटा वो 1/3x-y था वो 1/2 बन गया सही बात है यस सर। तो देख यहां से 3x+y डिनोमिनेटर को कंपेयर करो डिनोमिनेटर से 3x-y किसके इक्वल आ गया दो नई क्वेश्चन आ गई अब इनको दोबारा से बेटा हमको एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है बच्चे यस सर। चलिए आज की क्लास ओवर कर रहे हैं बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर बाय बाय हैव अ ग्रेट टाइम ओके सो ठीक है शुरुआत करी जाए फिर बेटा सौरभ। हाँ सर ओके सो सबसे पहले बेटा आपके डाउट्स देख रहे हैं जो क्वेश्चन बेटा मैंने आपको दिए थे फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट बेटा आप लोगों से नहीं हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट नहीं हुआ है सर 8 आप इसकी बात कर रहे हो। हाँ सर ओ तो मैं ये तो मैंने करवा दिया था क्लास में यार सर 7th कराया था मैंने ये 7th कराया था मैंने 8th कराया था बेटा 8 कराया था एक मिनट सर चेक कर ध्यान से देख बेटा सौरभ। हाँ सर हाँ सर 7 डाला हुआ है मारेंगे बहुत ज्यादा ठीक है ना ठीक है और बताइए कौन सा करवाना है बच्चों कोई सा भी क्वेश्चन में आपको डाउट है जल्दी बताइए इसी आपके सारे हो गए पढ़ने का कुणाल सर 5th वाला भी करा दो प्लीज 5th वाला कौन बोल रहा है पढ़ने का बोल रही है यस सर 5th वाला ये वाला कह रही है आप है ना तो yes. इसमें आई थिंक आपको छोटा सा हिंट चाहिए पढ़ने का वो मैं आपको दे देता हूँ जैसे 7x-2y है ना बेटा यहाँ पे Yes, sir. और दोनों के अपॉन में एक्स वाई लिख दूंगा तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी no, sir. अब देखो एक एक्स एक्स कट जाएगा तो 7/y बन जाएगा यहाँ वाई से वाई कट जाएगा 2 × 1/x आ जाएगा अब बताओ अब हो नहीं जाएगा yes, sir, हो जाएगा और बोलिए और कौन सा कह रहे हैं आप लोग और बोलो बच्चों क्या बात सर और 7th वाला 7th ये वाला कह रही हो यस सर ये तो सेम 8th की तरह ही तो है चलो कर लेते हैं देखो उसमें क्या है 3.6 ये 5 है 6 है यार ये 6 क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट और क्या बोलते हैं बेटा 10 और 2 10 to 4 10
टू फोर और अगले में है 15 माइनस फाइव माइनस टू, 15 माइनस पांच माइनस टू, 15 माइनस पांच। मेरे बच्चे एक बात बता, ये जो डिनोमिनेटर में 1 बाई एक्स प्लस वाई होगा उसको आप m बोल दोगे और जो 1 अपॉन x माइनस वाई होगा उसको आप n कह दोगे बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन एम प्लस टू एन इक्वल टू फोर हो जाएगा और वो हमारा 15 एम माइनस फाइव एन इक्वल टू माइनस टू। ये बात ठीक है पंडिका? यस सर। अब इनको सॉल्व करना है बच्चों, क्या किसी ने आंसर निकाल रखा है यार? m की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों बता सकते हैं कोई? इन दोनों को सॉल्व करके m और n कितना कितना आ रखे हैं बेटा? ओए इशिता m कितना बेटा? सर एक सेकेंड सॉल्व करना। कुणाल भाई, देव भाई, टिम्मी कितना बेटा, m कितना बता दो यार। भैया m है 1 by 5 और n है 1। n n है 1। हाँ जी। ओके सो m यानी कि 1 by x plus y जो है बेटा वो 1 by 5 है। तो पढ़ने का बेटा x plus y तो 5 आ गया। यस सर। और 1 by x minus y n x minus y बेटा आपका 1 आ गया। मानते इस बात को? इन दोनों को प्लस कर लोगे तो 2x इक्वल टू 6, x आपका 3 आ रहा होगा और y आपका 2 आ रहा होगा। फिर इन दोनों को भी सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे? यस सर, थैंक यू। और बोलिए इसके अलावा फिर वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलें। वर्ड प्रॉब्लम्स, अब भाई सौरभ चलें वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। हाँ सर। ओ भाई क्वेश्चन क्लियरली आई थिंक दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है। कहता कि रितु नाम की कोई कन्या है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देख भाई ये पानी में तैरने वाले, ये तैराकबाजी वाले जो क्वेश्चंस आएंगे ना यार, सर भाई हाँ सर इस तरह के क्वेश्चन में तेरे को एक बात ध्यान रखनी है और वो बात ये है बेटा कि पानी की भी कुछ स्पीड होती है और तेरी भी कुछ स्पीड होती है बेटा, ठीक है? हाँ। और जब तू पानी में तैरेगा ना बेटा हाँ, तो तेरी तैरने की जो स्पीड होगी, तेरी स्विमिंग की जो स्पीड होगी बेटा, वो पानी की स्पीड से ज्यादा होगी। ठीक है सर। ठीक है, अगर ऐसा हाँ। नहीं हुआ बेटा तो समझ ले तो पानी में बेटा फिर गया। ठीक है हाँ। फिर तो बेटा फिर हम क्या ही बोले फिर तो है ना। तो क्वेश्चन टू का है फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे सौरभ तू नहीं है, यहाँ पे रितु नाम की कोई कन्या है, कोई तैराक है बेटा कोई, ठीक है? ठीक है सर। अब देख भाई ये क्या है सर? पानी। ये पानी है, पानी है बेटा, ठीक है ना, नदी। अब देख ले थोड़ी सी बेटा स्लोप है इसमें, थोड़ा सा स्लोप है बेटा, ठीक है ना। पानी जो है वो नीचे की तरफ बह रहा है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो पानी की भी कुछ स्पीड होगी और इस पानी में बेटा हमारे यहाँ पे रितु नाम की भी कोई कन्या है बेटा, ठीक है जी। हाँ ये रितु है, इस रितु का रंग थोड़ा बदलते हैं, लाल रंग की बना देते हैं रितु, है ना। तो भाई हमारी रितु है, ठीक है रितु। हाँ सर चल है रितु है भाई इसमें, लेकिन ठीक है। अब देखिए रितु है, अब दो सिचुएशन हो सकती है, पानी उस तरफ जा रहा है ना। हाँ सर। और रितु भी उस तरफ जा रही है, ठीक है। हाँ, तो भाई ये जो सिचुएशन होती है ना इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ठीक है सर। हाँ। लेकिन पानी बह रहा है उस तरफ, हाँ। रितु कह रही है कि मैं धारा को चीरते हुए आगे बढ़ जाऊंगी, यानी कि वो इस तरफ, इसको हाँ। बोला जाता है अपस्ट्रीम। समझ में आ रही बात? ठीक है हाँ सर। अब दोस्त समझियो बात को, मैं बोलता हूं पानी जो बह रहा है ना बेटा, हाँ सर, पानी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ठीक है। और हाँ। ये पानी नीचे की तरफ, और ऋतु जो ऋतु की जब मैं बात करूं ना, जो रुका हुआ जो पानी होता है, रुके हुए पानी में स्टिल वाटर में ना बेटा, जो ऋतु की जो स्पीड है वो कितनी है, वो 5 किलोमीटर पर आ रही है। किसकी बात हो रही है?
सर रितु का स्पीड, ये रितु की स्पीड, जब रुके हुए पानी में बेटा स्विमिंग पूल में रितु की स्पीड इतनी है बेटा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक। लेकिन जब तुम नदी में छलांग मारोगे बेटा तो नदी पानी तो बहेगा ना, थोड़ा तो कुछ तो स्पीड होगी पानी में। अब देख दो सिचुएशन हो सकती है, रितु ने बोला मैं नदी के साथ तैरूंगी, नदी की दिशा में तैरूंगी, पानी भी उस तरफ और रितु भी उस तरफ, तो बता दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? हाँ सर बढ़ जाएगा भाई। तो उस सिचुएशन में दोनों की स्पीड प्लस कर दिया करते हैं बेटा, तो वो स्पीड हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही बात? हाँ सर। अब देख पानी बेटा नीचे की तरफ है, रितु बोल रही मैं तो अपोजिट जाऊंगी इस सिचुएशन में। अब रितु ना 5 की स्पीड से ऊपर नहीं जा पाएगी, पानी अगर रुका हुआ होता तब तो 5 की स्पीड से उस तरफ जा पाती, लेकिन नहीं पानी उसकी स्पीड को काटेगा बेटा, तो 5 - 3 जो नेट स्पीड बचेगी बेटा क्या बचेगी? 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही बात? हाँ सर। तो वो जो 8 किलोमीटर पर आवर आया 5 + 3 दैट वाज डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड, समझ में आ रही बात? लेकिन जो 2 किलोमीटर पर आवर मैंने बोला वो थी अपस्ट्रीम स्पीड, समझ में आ रही बात? ठीक है। बच्चों यहाँ पे किसको कोई दिक्कत है? तो यही कारण है बेटा मैंने बोला कि रितु की स्पीड हमेशा ज्यादा होनी चाहिए पानी की स्पीड से। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे बेटा मैं लेट कर लेता हूं, लेट स्पीड ऑफ रितु एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ रिवर वाई किलोमीटर पर आवर। देखो भाई दो स्पीड होती है, एक होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड, हाँ सर, एक होती है अपस्ट्रीम स्पीड, जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है बेटा वो होगी एक्स प्लस वाई, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी ना? हाँ सर। और जो अपस्ट्रीम स्पीड है एक्स माइनस वाई। अब देख मेरे भाई ऐसा है ना, कई बार बच्चे क्या करते हैं पानी की स्पीड को एक्स मान लेते हैं, रितु की स्पीड को वाई मान लेते हैं, और तब भी यहां क्या लिख रहे होते हैं एक्स माइनस वाई, बताओ वो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। आंसर ही उल्टा आएगा फिर, ठीक है, पानी की स्पीड ज्यादा आएगी रितु की स्पीड कम आएगी, ठीक है ना, यानी नदी में डुबो के ले जाएंगे बेटा फिर वाला सीन हो जाएगा फिर, तो ये मत करना भाई, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ चलो भाई ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं यार, क्वेश्चन में एक बात बोली थी कि ये जो कन्या है शी कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, भाई जो डाउन स्ट्रीम है वो है 20 किलोमीटर कितने टाइम में? सर 2 आवर्स में। और अपस्ट्रीम का भी कुछ सीन दे रखा है क्या? हाँ सर 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो मेरे भाई यहाँ पे टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला फंडा कुछ लगेगा यार, तो एक बात जानता है भाई, वी नो, हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है टाइम इनटू स्पीड। हाँ सर। टाइम इक्वल टू क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दिक्कत वाली बात है? नहीं सर। चलो भाई अब देख भाई ऐसा है ना, पहले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, डाउनस्ट्रीम वाले की बात कर रहे हैं, बता बेटा टाइम कितना लगा बेटा? टाइम सर 2 आवर। 2 आवर। डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस 20 किलोमीटर। बता डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या है बेटा? सर एक्स प्लस वाई। मानता कि नहीं मानता भाई? हाँ सर। एक 2 से 20 कट जाएगा और एक्स प्लस वाई लेफ्ट में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है? नहीं सर। पहला केस हो गया। ऐसी ऐसी टाइम ऊपर जाते टाइम टाइम कितना लगा बेटा? फिर से 2 घंटे। हाँ सर। और डिस्टेंस क्या थी बेटा इस बार? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। और ऊपर जाते हुए स्पीड क्या हो गई थी बेटा? एक्स माइनस वाई। अपॉन में एक्स माइनस, 2 से 4 तो अब भी कट रहा है, लेफ्ट में आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? तो बच्चे ऐसा है ना, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को प्लस करेगा यार, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल एक्स 6 आ रहा है और वाई 4 आ रहा है बेटा। बोलो बेटा समझ पाए? ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दिया बेटा, आप तरीके से सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है? एलिमिनेशन वगैरह लगा के। बच्चों किसको कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नो सर।
ऐसे ही एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा आपके साथ बच्चों। आपकी बुक में एक एग्जांपल ऐसे ही बेटा तैराकी वाला, भाई सौरभ। हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं? हाँ सर। एग्जाम्पल 19। हाँ सर। बड़ा सुंदर सा दिख रहा होगा बैकग्राउंड में हमारे। हाँ सर। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, ये लिखा है? हाँ सर। बेटा ऊपर जा रहा है कितनी देर में? सर 10 आवर्स। बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितनी देर में? सर 10 आवर्स। 10 आवर्स, 10 घंटे लग गए भाई। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ सर। ठीक है, ओके। फिर बोला गया इन 13 आवर्स 13 घंटे में, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ऊपर जाएगा 40 किलोमीटर। हाँ सर। और नीचे आएगा एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। सही बात है? हाँ सर। कहता कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल ज्ञात करनी है, पानी की चाल ज्ञात करनी है, एंड द बोट इन स्टिल वाटर, और जो हमारी नाव है ना बेटा उसकी भी चाल ज्ञात करनी है। समझ पा रहा बात को? हाँ सर। अब देख, एक बात तो श्योर है कि नाव की जो चाल होगी ना वो ज्यादा होगी वाटर की, और वाटर की जो स्पीड होगी वो कम होगी, मानता है? हाँ सर। जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती ना बेटा वो x प्लस वाई होगी, जो अपस्ट्रीम स्पीड होगी वो x माइनस वाई होगी, मानता है इस बात को? हाँ सर। अब मेरे दोस्त ऐसा है ना, ध्यान से समझियो भाई, एक बार बताऊंगा बस, ठीक है ना, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है? हाँ सर। ठीक है सर। अब देख मेरे दोस्त, यार स्पेस स्पेस देख, स्पेस मिल गया बेटा हमको। देख अब देख, तेरी जो नाव है वो नीचे भी जानी है, ऊपर भी आनी है, मानता है? हाँ। नीचे जाने में और ऊपर आने में टोटल कितना टाइम लग रहा है बेटा? सर 10 घंटा। 10 घंटे, ये दोनों मिला के टाइम है बेटा, T1 प्लस T2, इन दोनों को मिला के कितना लग रहा है बेटा? 10 आवर्स। 13 आवर्स। समझ में आ रही बात? हाँ सर। अच्छा बता, टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू क्या? समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बता बेटा, टाइम नीचे जाने में कितना टाइम लगा? नीचे जाने में तो तू बोलेगा डिस्टेंस है 44, और नीचे जाते टाइम स्पीड क्या थी? x प्लस वाई। बोल गया ना, मारेंगे ना, बता रहे हैं बेटा, ठीक है ना? फिर प्लस ऊपर आने में भी तो टाइम लगा। हाँ सर। भाई ऊपर आने में कितना टाइम लगा? अब ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ कितना टाइम लगा, मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। डिस्टेंस क्या थी? डिस्टेंस कितने ऊपर आए? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ऊपर आते टाइम तुम्हारी स्पीड क्या थी? सर x माइनस वाई। x माइनस वाई, तो ये जो 44 के अपॉन में ये जो x प्लस वाई है, हाँ। ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है और ये ऊपर अपस्ट्रीम का टाइम है, दोनों टाइम को मिला दूंगा बेटा तो वो टोटल टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? सर 10 आवर। 10 आवर्स के इक्वल हो जाएगा। बता, एक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? हाँ सर। ऐसी एक इक्वेशन और बन जाएगी मेरे भाई? हाँ सर। ऐसी बन जाएगी ना, तो देख उन्होंने बना रखी होगी, मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा तेरे को। मेन फंडा ये था कि देख बड़े वही चीज कर रखी है, दिख रहा है? 44 ऊपर आने का, 30 नीचे जाने का, 55 किलोमीटर नीचे गए स्पीड से, 40 किलोमीटर ऊपर आए स्पीड से, दोनों को मिलाकर 13 घंटे लग गए बेटा, ठीक है? अब देख तेरे सामने एक क्वेश्चन ये रही और एक क्वेश्चन ये रही, इन दो क्वेश्चन को बेटा तेरे को सॉल्व करना, बताइए काम अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, जिसको हम लोग m और n मान रहे हैं ना बेटा, उसको ये लोग u और v मान रहे हैं, तो ठीक है, तुम यहाँ चीटिंग मत करना, तुम अपना करो भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, लगा लेना इस पे एलिमिनेशन वगैरह कुछ है, ठीक है ना, कर लोगे? हाँ सर हो जाएगा, पढ़ने का हो जाएगा बेटा क्वेश्चन है?
सर इसमें हमने एक्स और वाई किसे लिए, एक्स किसे और वाई, एक्स बेटा मैंने स्पीड ऑफ बोट ले ली है, स्पीड ऑफ बोट इज एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज वाई किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या बोला भैया, आपकी जो स्पीड है वो पानी की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए ना बेटा, वरना आप डूब जाओगे पानी में। यस सर। ठीक है, इसलिए बोट की स्पीड मैंने एक्स मानी और जो स्ट्रीम है, जो धारा है, जो नदी है, उसकी स्पीड बेटा मैंने वाई मान रखी है। ओके ओके सर। किसी को कुछ कहना बेटा बोल सकते हैं, माइक ऑन करके फटाफट से, किसी को कुछ नहीं कहना। क्या नाम है? हाँ भाई लालू, सौरभ। हाँ सर, एक क्वेश्चन और कराना चाहते हैं अगर आपकी परमिशन हो तो। ठीक है सर। परमिशन ग्रांटेड। हाँ सर। देख भाई, बोला गया है एक रूही है बेटा, रूही, ठीक है ना, एक हाँ रूही नाम की कोई कन्या होगी, कन्या ही होगी मेरे ख्याल से, है ना। She travels 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ठीक है भैया, थर्ड पार्ट है, इसको लिख लेते हैं कहीं पे, करना है ना इस क्वेश्चन को। हाँ सर। थर्ड पार्ट, रूही नाम की कोई कन्या है बेटा, इसको अपने घर जाना है बेटा। ठीक है सर। पार्टली बाय ट्रेन, कुछ हिस्सा जाएगी कैसे सर? ट्रेन से। कुछ हिस्सा कैसे जाएगी? बस। बस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शी ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है भाई कुल मिला के, ठीक है ना, ये याद रखियो। शी टेक्स 4 आवर्स, 4 घंटे लगेंगे इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। बेटा ट्रेन से हाँ? अगर तुम 60 किलोमीटर जाओगे हाँ? तुमको टाइम लगेगा 4 घंटे। अब मेरे को एक बात बता भाई, 60 किलोमीटर तुम ट्रेन से गए तो बस से कितने डिस्टेंस कवर करी होगी? 240। मानते हो इस बात को बच्चों? इशिता ये सही है बेटा? यस सर। ओके, फिर कहते हैं If she travel 100 किलोमीटर by ट्रेन एंड remaining by बस she takes 10 मिनट longer। बेटा इस बार ट्रेन से कितना जा रहे हो? सर 100 किलोमीटर। तो बताओ बस से कितना जाओगे? सर बस से बस देख लेंगे भाई, अब जहां पे बस ले जाएंगे चले जाएंगे, है ये कह रहा है? नहीं सर। तो फिर सर बस का बचा ही कहां है? टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर थी कि नहीं थी? हाँ सर थी 200 किलोमीटर। गजब बेइज्जती है भाई, कमाल कर। 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है बेटा, जिसमें से 100 किलोमीटर तुम ट्रेन से चले गए, तो बाकी अब बस से कितना जाना पड़ेगा? सर 200। यार बेटा मैं गलत समझा रहा हूँ क्या, मैं क्या सही से नहीं समझा रहा हूँ क्या? सर ऊपर वाला तो फिर 60-240 क्या है बेटा? 300 किलोमीटर की दूरी है। अबे हाँ। यार क्या नाम है मेरे भाई, नाम क्या तेरा? सौरभ। हाँ। मेरे भाई तू पश्चिम बंगाल में रहता है ना तू? हाँ सर। तेरे को पता है यहाँ से पश्चिम बंगाल की दूरी कितनी है? नहीं सर। पश्चिम बंगाल में कहाँ रहता है बताइए फटाफट से। सर दुबड़ा। घोड़ा? दुबड़ा DUBR। पूरे 1300 किलोमीटर है भाई। ठीक है सर। ठीक है भाई हीरो, अभी जो 1300 किलोमीटर का जो रास्ता है मेरे दोस्त, मैं भी यहाँ उत्तराखंड में हूँ, ठीक है ना, अब यहाँ पे ट्रेनों की जो व्यवस्था ना इतनी बढ़िया नहीं है यार, ठीक है ना। ठीक है सर। तो मैं पहले यहाँ से ना दिल्ली जाता हूँ बेटा, यहाँ उत्तराखंड से बेटा मैं कहाँ जा रहा हूँ? पहले दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर दिल्ली से ट्रेन पकड़ूंगा बेटा यहाँ के लिए, ठीक है। मान लें स्ट्रेट इसमें आ रहे हैं, लीनियर है पूरा एकदम, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस 200 किलोमीटर होगी बेटा, पता ये कितनी होगी बेटा मेरे दोस्त, जरा बताइए एक बार। सर 1100। ये कैसे पता लगाया बेटा तुमने? ये बहुत खतरनाक चीज है बेटा, थोड़ा आराम से बोलिए, ठीक है ना। कैसे पता लगा 1100? सर 1300 में से 200 गया तो 1100 से पहुंचेगा ना। तो मेरे दोस्त यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, कुछ ने बोला था कुछ? 300। कितनी थी? 300। 300 बोलेंगे। अब
तूने बोला कि थोड़ा रास्ता ट्रेन से जाऊंगा, कितना रास्ता ट्रेन से जा रहे हो? 60 किलोमीटर, तो बचा हुआ कितना है बेटा? सर 240 ऐसी। अगर तू 60 किलोमीटर की जगह 100 किलोमीटर ट्रेन से गया होता तो बस से कितना जाना पड़ता? सर 200 किलोमीटर। बोला गया बेटा कि अगर 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाएगा ना तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, इट टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे भाई तेरे को, ठीक है दोस्त? तो यानी कि पहले कितने लग रहे थे? 4 घंटे, अब उसमें भी 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे बेटा, समझ पा रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। बता 1300 किलोमीटर दोहरा है बेटा, यार बड़ा ही दूर हो गया भाई, ट्रेन से भी मेरे ख्याल से 2-3 दिन लग जाएंगे शायद, है ना? हाँ सर। और एयरपोर्ट वगैरह है तुम्हारे घर के आसपास कहीं? सर एयरपोर्ट तो 100 किलोमीटर तक नहीं है। 100 किलोमीटर दूर? हाँ 120 किलोमीटर दूर। हाँ। बहुत बढ़िया, फिर मतलब फिर गाड़ी से मतलब अलग से फिर, है ना? मतलब गाड़ी से 3 घंटे गाड़ी से लग जाएंगे फिर एयरपोर्ट तक के। चल ठीक है बेटा, आऊंगा बेटा, दोबारा आऊंगा मिलने के लिए वेस्ट बंगाल में, फिर से मिलने के लिए, ठीक है ना? बहुत जल्द, ठीक है सर। हाँ ये मत ये नहीं कि हाँ भैया यहाँ मत आना, आज घर पे नहीं, कोई बाद में आना, ठीक है ना? क्या बात कर रहे हैं, थोड़ी बोलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब हमसे पूछा क्या गया है? बोला गया है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। अब ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है और बस की स्पीड फाइंड करनी है। देख भाई मेरे को नहीं मालूम ट्रेन की स्पीड क्या है, ठीक है? स्पीड क्या, देख ये तो डिस्टेंस है ना। हाँ स्पीड को क्या मानूं यार, बता। सर एक की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अच्छा ठीक है सर। एक की स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है दोस्त? हाँ सर। अब देख हम सब एक बात जानते हैं यार, तू भी इस बात को जानता है, मैं भी इस बात को जानता हूँ, जो टाइम होता है ना बेटा। हाँ सर। समय बराबर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस, दूरी बटे चाल, ये बात ठीक है? हाँ सर। अब देख तू थक गया होगा सर, मैं चाहता हूँ अब हमारी पढ़ने का माइंड ऑन करे, पढ़ने का? यस सर। पढ़ने का मेरी बहन, मुझे ना यहां से यहां पहुंचना है, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए पहले बेटा मुझे इतनी जो डिस्टेंस थी इस डिस्टेंस को ट्रेन से कवर करना पड़ा, मानती है इस बात को? Yes, sir. ट्रेन में मैंने कितना टाइम बिताया, वो टाइम कितना बेटा बता सकते हो आप? सर ट्रेन में होगा 100 upon x बेटा, पहले ऊपर वाले केस की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है सर? 60 upon x। तो अब भाई बच्चों डिस्टेंस है 60 और स्पीड क्या थी बेटा हमारी x प्लस। अब यहां से यहां तक पहुंचने में बेटा बस में भी मैंने कुछ डिस्टेंस कवर करी है ना बेटा, बस में भी, तो टाइम कितना लगा होगा बेटा? सर 240 upon y। अब भाई सौरभ सही है? हाँ सर। लो मेरे दोस्त ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना? हाँ सर। आप इनफैक्ट इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, दिख रहा होगा आप लोगों को। Then, similarly, अब ऐसी अगर मान लो बस ट्रेन के थ्रू 100 किलोमीटर गए होते तो यहां लग लेंगे 100/x प्लस, यहां पे कितना टाइम लगेगा? 200/y एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 4 hours + 10 minutes बेटा, 4 hours तो ठीक है, जो 10 मिनट्स है उसको भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, तो इसलिए बेटा मैं उसको 60 से डिवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर? तो यहां पर ये बन जाएगा 25 6 4 24 + 125/6 और यहां पर ये चल रहा है 100/x + 200/y। इनफैक्ट इस 6 को भी बेटा आप इस लेफ्ट साइड में ला सकते हो, ये आ जाएगा 600x 1200y, राइट साइड में बचेगा 25। अब देख बेटा इसको इस पे एलिमिनेशन लगाना बड़ा आसान हो जाएगा, वहां 60 है यहां 600 है, वहां 10 से मल्टीप्लाई कर दो 600 बन जाएगा, मानते हो? ठीक है ना? हाँ। तो बच्चों बताओ इस क्वेश्चन को घर पे कर पाओगे आप लोग पूरा कंप्लीट? यस सर। किसी भी बच्चे के मन में कोई शंका हो बेटा बोल सकते हैं आप लोग फटाफट से, आज बच्चे हमारे कम आए यार। उपासना 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 सौरभ
आंसर सार्थक कुणाल ओके चलिए ठीक है ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अनीशा है हमारे साथ अनीशा हाँ जी भैया ठीक है बेटा अनीशा समझ में आ रहा है हाँ भैया बहुत बढ़िया बेटा ये फोटो ये बेटा तेरे भाई का बर्थडे है क्या आज नहीं था पहले था उसने लगा पहले था ये ऊपर ही तू है नीचे ऊपर वाली तू है ना ये नीचे तेरा भाई है नहीं वो सारे वो भाई सारे में वही है ठीक है ओके चलते फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू अजी बच्चों क्वेश्चन टू अब क्वेश्चन टू की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन टू की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अब भाई सर भाई हाँ सर रेस्ट कंप्लीट हो गया ठीक है ठीक है सर हाँ चलो क्वेश्चन टू देख रहे हैं बेटा बोला गया है टू विमेन एंड फाइव मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन फोर डेज ठीक है भाई ठीक है सर दो महिलाएं और पांच पुरुष किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को चार दिनों में खत्म कर देती है भाई ठीक है इस सेकंड पार्ट है इस सेकंड पार्ट है यार इस सेकंड पार्ट दो महिलाएं एवं चार पुरुष हाउ मेनी डेज सर फोर डेज चार दिनों में काम खत्म बेटा ठीक है व्हाइल थ्री वेमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इट इन थ्री डेज तीन महिलाएं छह पुरुष तीन महिलाएं एवं छह पुरुष उसी काम को बेटा कितने दिनों में तीन दिनों में पूरा काम खत्म कंप्लीट भाई ठीक है अब बोला गया है मेरे दोस्त फाइंड द टाइम टेकन बाय वन विमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन कह रहे भाई इतने लोग काम भी नहीं लगा रहे पर भाई हाँ। ये चार दिन तभी लग ही रहे थे काम करो चार महिलाएं दो महिलाएं चार पुरुष काम करने का इतना से काम नहीं कराना एक ही महिला से काम करवाएंगे बस ठीक है सर ठीक है दिन भले ज्यादा लग जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब बताओ एक अकेली महिला अगर इस काम को करेगी तो वो कितना समय लेगी कितने दिन में वो काम खत्म कर देगी ये हमसे पूछा गया ठीक है भाई ठीक है सर सौरभ हाँ सर देख थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आ रखा है ना थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है बेटा कोई काम दो दिन में पूरा खत्म हो जाता है पूरा कंप्लीट दोनों दिन इक्वल काम होता है ठीक है दो दिन में पूरा काम कंप्लीट होता होगा तो एक दिन में कितना काम होता होगा बेटा टू बाई टू आधा काम होता होगा इस बात को मानते हो पंडिका यस सर कोई काम अगर दो दिन में पूरा खत्म हो जाता है तो एक दिन में कितना काम होता होगा तो आप बोल देंगे कितना वन बाई टू आधा काम है ना यस सर अगर मैं बोलूं कोई काम तीन दिनों में खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना होता होगा आप बोल देंगे सर वन बाई थ्री मानते हो ना इस बात को बच्चों yes. सभी मान कोई ऐसा तो नहीं ना जो ना मानता हो ठीक है तो बेटा क्या नाम है देखिएगा बच्चों तो यहां पर ना मुझे ये पता करना है कि एक महिला इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकती है तो लेट कर लेते हैं लेट वन वुमेन अरे वुमेन की स्पेलिंग क्या होती है डब्ल्यू ओ एम ए एन होती है ना क्या होती है सर एम ई एन वो तो बहुत सारी महिलाओं की एमएन होती है एमएन होगी ना हाँ वही तो यार अरे क्या नाम है सौरभ भाई हाँ सर वो जब शायद एक से ज्यादा महिलाएं होती होंगी ना तो शायद तब विमेन लिखते होंगे यार है ना ठीक है सर वन विमेन कैन फिनिश इट एक्स डेज ठीक है बच्चों वन मैन कैन फिनिश इट वाई डेज बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नो सर
एक महिला पूरे काम को खत्म करने में x दिन लगा देती है और एक पुरुष पूरे काम को खत्म करने में y दिन लगा देता है बेटा। ये बात ठीक है ना बच्चों? अब सौरभ भाई यहां से असली कहानी स्टार्ट हो रही है, तो तैयार है बेटा? तैयार है तो हाँ सर। पक्की बात है ना? हाँ। करना नहीं है बेटा? ठीक है सर। बेटा एक महिला x दिन में पूरे काम खत्म कर देती है, बता हाँ। एक दिन में कितना काम होता होगा सर? 1/x। 1/x सभी बच्चे मानते हैं इस काम, इस बात को मानते हैं सभी बच्चे भाई? x दिनों में पूरा ही काम कंप्लीट हो जाता है, तो एक दिन में कितना आ रहा होगा? 1/x। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दो दिन में कोई पूरा काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में 1/2 होता होगा, तीन दिन में कोई काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में 1/3 होता होगा। इशिता सही है बेटा? ओके, आपकी भी आवाज आज अटक अटक के आ रही है। ओके आजी बच्चों, सो एक महिला एक दिन में इतना काम करती होगी। अच्छा एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है भाई सौरभ? सर 1/y। 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 तो सौरभ मेरे भाई देख ऐसा है ना, जो ये जो पहली कंडीशन उन्होंने दे रखी है ना भाई, उस पहली कंडीशन में एक महिला नहीं दो महिलाएं काम कर रही है और एक पुरुष नहीं चार पुरुष काम कर रहे हैं, मानता कि नहीं मानता है? हाँ सर। पता एक महिला ने एक दिन में इतना काम किया तो दो महिलाओं ने कितना किया होगा बेटा? 2/1/x। दुगना कर देंगे काम, ठीक है हाँ, काम डबल हाँ। हो जाएगा। अच्छा एक पुरुष ने एक दिन में इतना काम किया तो चार पुरुषों ने कितना किया होगा? 4/1/x। सही बात है हाँ सर। दोनों के काम को जोड़ दूं बेटा, तो दो महिलाओं का और चार पुरुषों का ये एक दिन का काम है भाई, मानता है कि नहीं मानता है? हाँ सर। बच्चों सभी बच्चे इस बात को मानते हैं, दो महिलाओं का एक दिन का काम, चार पुरुषों का एक दिन का काम, दोनों को मिला दिया बेटा मैंने कंप्लीट, ये टोटल वन वन टोटल वर्क डन इन वन डे। ओके मानते हो बच्चों? मानते हो बच्चों इस बात को? ये टोटल वर्क है एक दिन का, और टोटल वर्क होना कितने दिन में है? चार दिन। चार दिन में। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 1/4 के इक्वल होगा? हाँ सर। बच्चों इस बात को मानते हो नहीं मानते हो? ये 1/4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो काम है ये एक दिन का काम है और काम ने खत्म होना कितने दिन में है? चार दिन में। तो उस चार दिन से अगर मैं बोलूँ कि एक दिन का काम कितना होगा, 1/4 ही तो बोलोगे। बच्चों ये बात सही है या नहीं है सबको समझ में अगर आ गया है तो एक बार जरा ठेंगा दिखाना बच्चों, सबको समझ में आ गया है तो एक बार ठेंगा दिखाना भाई। पांचा, अनिशा, आशीष भाई, उपासना, टिम्मी कहाँ गई यार? टिम्मी कहाँ है? टिम्मी, टिम्मी कहाँ गई? टिम्मी हमारी गायब हो गई यार। ओहो अरे ठीक है। तो सौरभ भाई हाँ सर एक क्वेश्चन भी बन गई? हाँ सर बन गया। अब ऐसे एक महिला एक दिन में इतना काम करती है, एक पुरुष एक दिन में इतना काम करता है, तीन महिलाएं इतना काम करेंगी और छह पुरुष इतना काम करेंगे। तो देख भाई तीन महिलाएं छह पुरुष पूरा काम तीन दिन में खत्म करेंगे हाँ सर, ये उनका एक दिन का काम है, एक दिन का काम। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 1/3 होगा, वर्क डन इज 1/3। ठीक है दोस्त? हाँ सर। कोई काम अगर तीन दिन में खत्म होता है तो एक दिन में कितना होता होगा? 1/3 खत्म होता होगा, 1/3। तो गाइस यहाँ पर आपको मालूम ही है 1/x को हम m मान लेंगे, 1/y को हम n मान लेंगे, इक्वल टू 1/4 है, वहां से 3m 6n दिस इज 1/3। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर। यहाँ पर इस चार को लेफ्ट में ले आओ, 4 × 8m 4 × 16n इक्वल टू में 1, फिर 3 × 3 = 9m 3 × 3 = 9 3 × 6 = 18 1। कोई टेंशन वाली बात है मेरे दोस्तों? बोलो भाई बोलो। नो सर। तो बच्चों क्या ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है? कोई टॉपिक बेटा मैंने इसमें छुड़वा दिया हो?
नहीं ओके।